हम लोग शुरुआत क्या करने जा रहे हैं? इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो आता है भू आकृति, भारत की भू आकृति। सर ने बता दिया राजेंद्र नगर ग्रुप के टीचर हैं, इसका मतलब समझ गए होंगे हिंदी हमें आती है लेकिन थोड़ी मोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, तो आप संभाल लीजिएगा, मुझे सिखा भी दीजिएगा, ठीक है। भू आकृति जिसको हम फिजियोग्राफी कहते हैं, भारत के जैसे भू आकृतिक विभाजन, भू आकृति में हम क्या पढ़ते हैं जनरली, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, या पठारी क्षेत्र है, तटीय मैदान है, या द्वीपीय क्षेत्र है। हमारे यहाँ पांच क्षेत्र ऐसे आते हैं जब हम भारत का भू आकृतिक विभाजन करते हैं। और सभी लोग आईएएस की ही तैयारी कर रहे हैं होपफुली। अब जब एक आईएएस भू आकृति को पढ़ता है तो वो कैसे पढ़ता है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। चूंकि प्रश्नों की अगर प्रवृत्ति देखें आप, तो आपको सीधे सीधे प्रश्न आप पूछे नहीं जाते हैं। 2005-4 से पहले अगर पुरानी बातें करें तो तब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आज की डेट में अगर देखें तो ज़्यादातर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट से सीधा सीधा संबंध होता है। कॉन्सेप्ट समझ करके आपको एप्लीकेशन पार्ट पे आना पड़ता है, तब जाके उसको उत्तर आप दे सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का क्वेश्चन हो। जैसे कुछ क्वेश्चन का हम उदाहरण लेते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन इस तरह से लगातार 2-3 साल पूछे गए हैं कि भारत में जो लिंग अनुपात है वो हरित क्रांति प्रदेशों में अपेक्षाकृत काफ़ी बुरी हालत है, कारण के साथ समस्या का समाधान की चर्चा करें। उसके दूसरे साल आ गया था क्वेश्चन के जो ट्राइबल्स हैं हमारे यहाँ, जो जनजातियाँ हैं, उनमें लिंग अनुपात SC ST से ज़्यादा बेहतर है, इसके कारण बताएं। अब इसमें अगर लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात में जब आप फिगरेटिव होते हैं, जब आप डेटा देखते हैं, तो आपको डेटा एक देखता है तो हर बच्चा डेटा देखता होगा, SSC का भी देखता होगा, एक बैंक PO का एग्जाम करने वाला देने वाला भी बच्चा देखता होगा, CDS का बच्चा भी देखता होगा, IAS का बच्चा भी देखता होगा। तो एक IAS की परीक्षा देने वाले बच्चों की मानसिकता क्या होनी चाहिए, हम थोड़ी चर्चा उस पर करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने की होगी, जब आप मिडल ऑफ द क्लास में हैं, एंड फेज में है, तो बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन एक बार हम अपने तरीके से करेंगे उसकी चर्चा, ताकि जब हम पढ़ें तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। जैसे आपको आ जाएगा कि प्रश्न पूछा गया हिस्ट्री के पेपर में, वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा गया कि जापान में जो औद्योगिक विकास हुआ है वो पश्चिमी यूरोपीय देशों की अपेक्षा अलग है, कारण बताएं। अब ये इतिहास का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतिहास के पूरे इंडिया के एक्सपर्ट को चैलेंज करूंगा कि जो प्योर इतिहास पढ़ा है, जिसने UPSC का एग्जाम नहीं दिया है, वो कभी इस आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता है। उसकी वजह है कि इसमें ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व है, इसमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, और इसमें हिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो वही बंदा इसका उत्तर दे सकता है जिसको ज्योग्राफी भी कंपलसरी पढ़ना है, जिसको इकोनॉमी भी पढ़ना है, और जिसको इतिहास भी पढ़ना है। जबकि इतिहास का स्पेसिफिक बंदा केवल हिस्ट्री पढ़ेगा, ज्योग्राफी का एक्सक्लूसिव जो है वो ज्योग्राफी पढ़ेगा, इकोनॉमी का जो बंदा है, सपोज कीजिए इकोनॉमी से PhD कर रहा है, वो इकोनॉमी पढ़ेगा। लेकिन एक वुड बी IAS ऑफिसर जो होता है, जो भावी IAS ऑफिसर होता है, वो सारी चीजों को पढ़ता है। जैसे एक प्रश्न अगर आप लोगों ने देखा होगा, इतिहास में ही पूछा गया है कि पानीपत में ही इतनी महत्वपूर्ण लड़ाइयां क्यों लड़ी गई, ये नहीं पूछता किनके बीच हुई, ये नहीं पूछता कारण क्या था, ये नहीं पूछता परिणाम क्या था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पानीपत में होने वाली निम्नलिखित लड़ाइयों के कारण बताएं, उसके परिणाम बताएं, ये इतिहास का क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये पूछता है कि पानीपत में ही क्यों हुई, तो इसका मतलब है ये केवल इतिहास का क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको IR भी लाना पड़ेगा, इसमें उसकी पानीपत की भौगोलिक अवस्थिति भी लाना पड़ेगा, इसमें जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति भी लाना पड़ेगा। उस सामूहिक परिणाम से तब उसका उत्तर बनेगा, बाद में जितने भी विद्वान उसका उत्तर बना दें, लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था तो यकीन मानिए किसी को पता नहीं होगा इसका। हिस्ट्री के विद्वान को कुछ हवा भी नहीं लगेगी इस बात की कि पानीपत में ही क्यों लड़ाई हुई। पूछता है कि अफ्रीका जैसे संसाधन संपन्न क्षेत्र महाद्वीप में विकास की गति इतनी कम क्यों है। अब शब्द विकास क्या है, इकोनॉमी का है, अफ्रीका क्या है एज ए कॉन्टिनेंट, ज्योग्राफी का टर्म है,
और इसमें सामाजिक समाज सोशल इश्यूज भी इन्वॉल्व है। तो जब आप तीनों को एक तरीके से साथ करके सामूहिक देखने की क्षमता की वृद्धि करते हैं, क्षमता का विकास करते हैं, तब जाके एक्चुअल में आपकी तैयारी पूरी होती है कि आप हिस्ट्री भी पढ़े तो हिस्ट्री को ज्योग्राफी में कैसे यूज करें, ज्योग्राफी पढ़ा तो इसको इकोनॉमी में कैसे यूज करें, इकोनॉमी पढ़ा तो उसको सोसाइटी में कैसे यूज करें, तो और एक सामंजस्य कैसे लाएं, उसके बाद ही आप उसके सही उत्तर तक या एक्चुअल में जितने मार्क्स चाहिए उस उत्तर तक पहुंच सकते हैं, तभी आप एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। अदरवाइज आप कलर की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें एक बात करनी होगी कि इसकी आवश्यकता क्यों है, इस तरह के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। तो जब आप आईएएस बनेंगे तो आपको करना क्या है, अगर उसको समझ जाइए एक ब्रीफ में, सभी लोग जानते होंगे करना क्या है, लेकिन तैयारी करने के दौरान अगर थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए कि हमको एक कलर की आवश्यकता है, हमारे ऑफिस में एक कलर की आवश्यकता है, हमारे ऑफिस में एक काउंसलर की आवश्यकता है, हमारे ऑफिस में एक टाइपिस्ट की आवश्यकता है। तीनों के लिए डिमांड जो होगा अलग अलग होगा। हमने कुछ बंदों को बुलाया काउंसलर के लिए, वो जो डेस्क पे बैठेगा, जो इंटरेक्शन करेगा या करेगी। वैसी स्थिति में जब किसी भी बंदे का मैं इंटरव्यू लूंगा तो हमारा जो चाहत होगी हमारी, वो उस पोस्ट को फुलफिल कैसा करता है उस हिसाब से होगी। तो अगर एक काउंसलर का हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम देखेंगे कि उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, बोलने की क्षमता कैसी है, किसी बात को किस तरह से प्रेजेंट करता है या करती है, वो देखेंगे। जब हम एक टाइपिस्ट को लेंगे तो हम उसकी टाइपिंग स्पीड को देखेंगे, वो शॉर्ट्स पहन के आता है, स्पेगेटी पहन के आता है या बाल बड़ा बड़ा रखता है, आई डोंट केयर। लेकिन अगर हम जब काउंसलर की बात करेंगे तो हम वो भी देखेंगे, लेकिन टाइपिस्ट के लिए हमको वो जरूरत नहीं होगी। एक कलर को होगा तो वो कैलकुलेशन कैसा करता है, फैक्चुअल कैसा करता है, ये सब देखेंगे। वहां पे समझने की आवश्यकता है कि एक क्लर्क में, एक बैंक पीओ में या एक सीडीएस आर्मी ऑफिसर में और एक आईएएस ऑफिसर में क्या अंतर होता है। सपोज कीजिए कि आप हरियाणा से आते हैं, आप हिंदी भाषी हैं, आईपीएस बने आप, आपका कैडर साउथ मिल गया, तमिलनाडु मिल गया, हो सकता है? आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं, इतनी मेहनत से क्वालिफाई किए, इस डर से भी नहीं जा सकते हैं कि मलयालम या फिर तमिल कौन बोलने जा रहा है, हम तो शुद्ध हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, वो भी हरियाणा के, हरियाणा की हिंदी अपने आप में अलग होती है, राइट? तो अगर आप तमिलनाडु जाते हैं, सपोज कीजिए कि आपको मदुरई डिस्ट्रिक्ट में एसपी की पोस्टिंग हुई, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पढ़ने में, पढ़ने के तरीके में और आपसे यूपीएससी को क्या चाहिए वो बहुत ही आवश्यक है। जो मैं अब एग्जाम्पल देने जा रहा हूं कि मदुरई डिस्ट्रिक्ट के आप आईपीएस हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आईपीएस हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, वहां का डीएसपी, वहां का क्लर्क आपसे 10 गुना नॉलेज रखता होगा, कोई दो राय नहीं इसमें। वहां का कांस्टेबल जो होगा, जैसे सपोज कीजिए आपने मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग बुलाई तो कुछ डीएसपी आए, कुछ सब इंस्पेक्टर आए, हो सकता है कांस्टेबल को भी आपने बुला लिया, सपोज कीजिए अपनी फर्स्ट मीटिंग में। किसी भी क्षेत्र का कांस्टेबल वहां के हर एक क्रिमिनल को अच्छी तरह से जानता है, कौन पॉकेट मारी में कितना मास्टर है, कौन डाका डालने में कितना मास्टर है, कौन किडनैपिंग में मास्टर है, सब कुछ पता है उसको। यानी कि जब नॉलेज की बात आती है तो उसके पास एक एसपी से कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आती है कि इसमें सुधार कैसे लाया जाए, तो कांस्टेबल डिसीजन नहीं ले सकता, वो सब इंस्पेक्टर डिसीजन नहीं ले सकता है, वो डीएसपी डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन किसको लेना है? आपको लेना है। इस अंतर को समझिए, तैयारी आपकी बिल्कुल संपूर्ण होगी, दिशा कभी नहीं भटकेंगे आप, जो कि बहुत ही आवश्यक है कि एक क्लर्क के पास एक आईएएस ऑफिसर से ज्यादा जानकारी होती है, एक कांस्टेबल के पास एक एसपी से ज्यादा जानकारी होती है अपने क्षेत्र के बारे में, परंतु जब भी डिसीजन लेने की बात आती है वो एसपी देता है कि सर यहां पे कैसे करें। आप फर्स्ट मीटिंग में सपोज कीजिए आपका डीएसपी बोला कि सर हमारे एरिया में ना 3 वुमेन्स कॉलेज हैं और वहां पे लड़कियों के साथ समस्याएं ज्यादा होती हैं, तो जैसे ही उसने आपने कहा तो सर क्या किया जाए, क्या उपाय लिया जाए, तो उपाय आपसे पूछता है
जानकारी कौन दे रहा है आपको? डीएसपी दे रहा है। नॉलेज आपको दूसरा दे रहा है, डिसीजन आपको लेना है। यही एक बहुत पतली रेखा है जिसको आपको समझना है कि नॉलेज से आपकी तैयारी पूर्ण नहीं होती है। उस नॉलेज के एप्लीकेशन पार्ट पे जब आप जाते हैं, जब आप उसका ये देखते हैं कि कहां कहां पे यूज हो सकता है, जब उस संदर्भ में आप उसको देखना शुरू करते हैं तो आपकी आईएएस की तैयारी शुरू होती है। यह ध्यान रखिएगा, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था है उस संदर्भ में, बचपन से हमें कहा जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और पढ़ने का मतलब हम किताब से नॉलेज कलेक्ट करने की बात करते हैं। ये क्लर्क की प्रवृत्ति है, ध्यान रखिएगा, ये एक बैंक पीओ की प्रवृत्ति है, इसीलिए उसको तथ्य की आवश्यकता होगी। सपोज कीजिए कि आप अपने क्लर्क से पूछे कि यार तुम्हारे एरिया में कितना स्कूल है, आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप एक एजुकेशन वाले सेक्शन वाले को क्लर्क को बुलाए कि यार तुम्हारे एरिया में कितना स्कूल है, तो ये नहीं कह सकता कि सर मुझे याद नहीं है, कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। लेकिन अगर एक क्लर्क पूछ दिया कि सर अपने डिस्ट्रिक्ट में कितना स्कूल है, तो बोला हमको पता नहीं है, पूछो सबसे करके लाओ, उसको बुरा नहीं लगेगा। यानी कि तथ्यों के बारे में आपको रखना आवश्यक है, ऐसी कोई बात नहीं। तथ्य आपके लिए आवश्यक नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके लिए आवश्यक है। जैसे ज्योग्राफी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन लेते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है, इधर 2-3-4 साल से नहीं पूछा है, लेकिन अगर 15 साल का क्वेश्चन उठा के देखें तो 4-5 साल आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन, कि भारत के कुछ शहर दिए होंगे आपको, उनको समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना होता है। भारत के इतने सारे शहर हैं, क्या यह संभव है किसी व्यक्ति के लिए कि वो याद रख सके कि समुद्र तल से ऊंचाई किसकी ज्यादा है? असंभव है। तो देखने में कैसा लगता है कि तथ्यात्मक है, लेकिन इसमें कुछ तथ्य नहीं है, इससे आसान कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता है। अब सपोज कीजिए कि हम बात करें कि इलाहाबाद और पटना, इसमें समुद्र तल से ऊंचाई पे, अधिक ऊंचाई पे कौन है? इलाहाबाद। पटना और लखनऊ, इसमें समुद्र तल से ऊंचाई पे कौन है अधिक ऊंचाई पे? लखनऊ। कैसे जानते हैं हम कैसे जानते हैं? सॉरी, बेसिक नॉलेज कैसा है? दूर समुद्र से। ओके, दिल्ली और अजमेर में ऊंचाई पे कौन होगा? तो अजमेर तो नजदीक है समुद्र से। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नदियां हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहती हैं। गंगा नदी किधर से बहती है? यमुना किधर से बहती है? दिल्ली से कोलकाता की तरफ बहती है। तो कोई भी शहर अगर दिल्ली से हम जाएंगे कोलकाता की तरफ, तो पिछला शहर आगे वाले शहर से हमेशा अधिक ऊंचाई पर रहेगा, एज सिंपल एज दैट। अगर हम, आप लोग पढ़े भी होंगे कि अगर सपोज कीजिए हम पश्चिमी घाट से अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की तरफ जाते हैं, तो सारी नदियां, चाहे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं, वो इस दिशा में चलती हैं। तो जो भी शहर इस संदर्भ में आएगा, इस दिशा में आएगा, हमेशा उसी आरोही क्रम में होगा, वो उसकी ऊंचाई उसी तरह से घटती जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह के जैसे जो दिखने में कई सारे क्वेश्चंस तथ्य लगेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। एकाध दो क्वेश्चन 100 में से ऐसे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन जो पूरे पूरी फैक्चुअल लगेंगे, पूरे तथ्यात्मक लगेंगे, वो कई बार ध्यान भटकाने के लिए भी दिया जाता है। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं कि अगर आप तथ्य में उलझ गए तो हो सकता है विद्वान बन जाएं, हो सकता है चाय ढाबा पे आपकी बहुत तारीफ हो, लेकिन यूपीएससी क्वालिफाई करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब चाय ढाबा पे बोले कि हाँ आर्टिकल 15 ये है, आर्टिकल 16 ये है, आर्टिकल 61 ये, तो वो आप समझ लीजिए कि जब चाय ढाबा पे बहुत तारीफ होने लगी आपकी, समझ लीजिए कि नॉलेज आपके पास ज्यादा है, यानी कि आप क्लर्क के लिए परिपूर्ण हैं। लेकिन जब आप दिमाग चला करके उस नॉलेज को आप यूज करते हैं, आप उसको लेके जाते हैं, उसकी रीजनिंग में जाते हैं, उसकी रैशनैलिटी में जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी यूपीएससी के संदर्भ में सही जा रही है। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, कितने लोग हरियाणा पंजाब से हैं यहां पे?
शर्माने की बात नहीं है, हल्का से क्यों उठा रहे हो? हरियाणा से केवल दो बच्चे हैं, मान नहीं सकता हूं मैं। तीसरा चौथा, मतलब धीरे धीरे उठ रहा है। बिहार से कितने लोग? जैसे वो प्रश्न लेते हैं लिंग अनुपात वाला, कि जब आप डेटा देखते हैं सेक्स रेशियो का इंडिया में, तो हरियाणा और पंजाब सबसे नीचे का स्तर पे आएगा। कारण बता सकते हैं इसका? जैसे लिंग अनुपात का डेटा है, डेटा आपने देखा, जैसे ही डेटा आपने देखा तो एक क्लर्क होगा या पीओ की तैयारी करने वाला डेटा रट के निकल जाएगा। लेकिन जब आप डेटा देखते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि ऐसा क्यों है? हरियाणा और पंजाब तो हमारे यहां संपन्न राज्यों में से एक है, हमारे यहां ग्रोथ इंजन रहा है वो, फिर भी वहां पे औरतों की स्थिति ऐसी क्यों है? अतीत में जो युद्ध हुए थे वो पंजाब को थोड़ा हरियाणा को, ओके, आक्रमण के कारण दिल्ली में हुआ था। पुरुष प्रधान, बिहार में महिला प्रधानता है। योद्धा के रूप में लड़के को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि आजकल हरियाणा से ज्यादातर योद्धा लड़कियां ही निकल रही हैं। बिहार में क्यों नहीं? बिहार में भी तो लड़ाई काफी होती है, रणवीर सेना, कुलवीर सेना, तो जगबीर सेना, ढेर सारी सेनाएं होती हैं। उस सेना में भर्ती होने के लिए तो लड़कों की आवश्यकता होती है। एक सोच है, मैं बता रहा हूं आपको। एक प्रश्न मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में, जब मैं आईएएस का इंटरव्यू दे रहा था, तो बहुत ही अक्सर मैं वो प्रश्न पूछता हूं बच्चों से, वो आपकी मानसिकता दर्शाएगा, और बगैर किसी झिझक के उसका उत्तर देना है। ज्योग्राफी तो हम लोग बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। पूछा था कि इन जनरल मुस्लिम्स इन इंडिया हैव मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, इफ यस व्हाट आर द रीजंस? आमतौर पर भारत में मुस्लिम समाज में अधिक बच्चे होते हैं, यदि आप इससे सहमत हैं तो इसके कारण बताएं। मैं अक्सर पूछता हूं बच्चों से क्लास में, साक्षरता का अभाव और धार्मिक, फरमाइए, ओके, हाँ बोलिए, फ्रीली बोलिए, बात कीजिए, झिझकना नहीं है, आप भावी आईएएस ऑफिसर हैं। धार्मिक कारण क्या है? इस्लाम खतरे में है, उनको लगता है कि इस्लाम खतरे में है, ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो इस्लाम बहुत तोप चला देगा वर्ल्ड में। और किसी को कुछ लगता हो? सोशल इनसिक्योरिटी, लाइक माइनॉरिटी सिंड्रोम, कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उसके बाद हिंदू से आगे हो जाएंगे, हमारा प्रधानमंत्री हो जाएगा, इस्लामिक राज्य बना देंगे। हाँ, तो लड़ाई हो तो तुम लोग सब मिल करके डंडा लेके आ रहे हो, मेरे पास स्टेन गन है, तो हम ज्यादा पावरफुल हैं या तुम सब मिल के पावरफुल हो? चलिए आगे बोलिए, गरीबी और अशिक्षा। शुक्र है किसी ने चार पत्नी की बात नहीं की। नहीं, चार पत्नियां करते हैं, ये सब जो है ना मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये चाय ढाबा डिस्कशन की बात है। जब इंटेलेक्चुअल लेवल पे आएंगे, जब रीजनिंग पे आएंगे, तो आप देखेंगे एक समाज का स्तर है, जो सामाजिक स्तर है, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है,
यदि उस आर्थिक स्थिति में देखेंगे तो उस स्ट्रेटा में किसी भी धर्म में चले जाइए, आपको बच्चे ज्यादा मिलेंगे। किसी भी धर्म में चले जाइए आप, जैसे ही उस सामाजिक आर्थिक स्थिति से ऊपर उठना आरंभ करते हैं, आपको हर धर्म में बच्चे कम होते चले जाएंगे। इसका धार्मिक जोड़ना चाय ढाबा का डिस्कशन है। एक आईएएस ऑफिसर ऐसी सोच नहीं रख सकता है, उसको रैशनलिटी में जाना पड़ेगा, उसको उस तथ्य में जाना पड़ेगा, जो रीजनिंग में जाना पड़ेगा, जो आप अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है, आगे आ जाओ। ज्यादा जनसंख्या है, ओके, थैंक यू। मतलब इनका कहना है कि जनजातियों से धर्मांतरण हुआ, जो ट्राइबल्स थे वो उनका इस्लाम कबूल किया। मैं कहीं से ट्राइबल लगता हूँ आपको? तो पक्का मैं राजपूत या ब्राह्मण से हुआ हूँगा कन्वर्ट, भारतीय अगर इसको देखा जाए, जातीय व्यवस्था को देखा जाए। ऐसा नहीं है ये सब। जब हम जनजाति की बात करते हैं, जनजाति का जैसे ही उत्थान होता है, वो धर्म की तरफ आ जाता है, तो वो उतने ही ऑर्थोडॉक्स हो जाता है। अब इसमें हम आते हैं इसके कारण, इसके भौगोलिक कारण देखिए, इसके आर्थिक कारण देखिए। आप यदि देखेंगे तो मैदानी क्षेत्र में हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं उसमें धर्म की नौटंकी ज्यादा, अधार्मिक कम। आप चले जाइए पठारी क्षेत्र में, वहां पर धार्मिक ज्यादा होंगे लोग। किसी को भी अगर एक्सपीरियंस होगा, आप चाहे वो मुस्लिम्स हो या हिंदूज हो या क्रिश्चियंस हो, आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो वो धार्मिक ज्यादा होंगे, दिखावा उसमें कम होगा। हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र में अगर आप आ जाएं तो दिखावा ज्यादा होगा। टोपी तब लगाएंगे कितने लोग देख रहे हैं हमको, अल्लाह अल्लाह करके नमाज पढ़ने निकलेंगे, वो घंटा तब बजाएंगे जो कितने लोग देख रहे हैं हमको। तो दिखावा अधिक होता है। इसका संबंध मानसिकता से होता है कि आपकी मानसिकता कैसी है, और उस मानसिकता का निचोड़ जो आता है वो आपकी अर्थव्यवस्था से आता है, और उस अर्थव्यवस्था का जो आधारभूत होता है वो भूगोल होता है। अब जैसे हम बताते हैं कृषि है, जैसे कृषि का अगर हम शब्द कृषि की बात करें तो कृषि किस भूआकृतिक क्षेत्र में अधिक परवान चढ़ता है? मैदानी क्षेत्र में। मैदान क्या है? भूगोल है। कृषि क्या है? अर्थव्यवस्था है। और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की मानसिकता कैसी होती है वो आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ जाइएगा। सपोज कीजिएगा हम एक किसान हैं, हमारे बिल्कुल जबरदस्त गेहूं के लहलाते खेत हैं, हम खुश हो रहे हैं कि बस 15 दिन के बाद कटाई होगी और हम मतलब बहुत संपन्न हो जाएंगे, कुछ बेच करके बेटे को मोटरसाइकिल दे देंगे और ये कर लेंगे, घर का जो बचा हुआ वो कर लेंगे, हो सकता है बेटी की शादी कर लेंगे, प्लान कर रहे हैं हम। दूसरे दिन अचानक जैसे उठते हैं सुबह में, देखते हैं उधर से थंडर स्टॉर्म आ रहा है, तड़ित झंझा आ रहा है। हमको पता है कि अगर गिर गया तो मेरा गेहूं सारा बर्बाद हो जाएगा, हम क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? भगवान भगवान करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो अब कृषि का चूंकि कोई भी अगर देखेंगे प्राथमिक अगर जो गतिविधियां हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, यदि किसी अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक गतिविधियां होंगी तो वहां की मानसिकता रूढ़िवादी होगी, वहां पे रिलीजियस फैनेटिसिज्म ज्यादा होगा, वहां पे लोग जैसे जिसको अंधविश्वास कहते हैं वो ज्यादा होगा। वो एक अलग प्रवृत्ति को जन्म देता है धर्म की। धर्म हर जगह होता है लेकिन धर्म की एक अलग प्रवृत्ति को जन्म देता है। किसी भी प्राथमिक अर्थव्यवस्था में जो मेल चौवनिज्म होता है, जो पुरुष प्रधानता होती है, वो डीप रूटेड होती है। कृषि में सपोज कीजिए कि यदि कृषि में सपोज कीजिए मेरा बेटा है 10 साल का और बेटी है 15 साल की, सपोज कीजिए आज मुझे खेत पे काम लगा हुआ मेरे
और किसी कारणवश मैं नहीं जा पा रहा हूं, मैं किसको भेजूंगा, क्यों भेजूंगा बेटे को? इस मानसिकता को समझिए कहां से जन्म लेती है। आपको कम से कम 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं इस एग्जाम्पल लेकर के। आप सोशल इश्यूज भी पढ़ रहे हैं, आप जो कॉम्बिनेशंस में पूछा जाता है वो भी पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, कोरिलेट हो सकते हैं, वो पढ़ रहे हैं आप। तो यदि मैं अपने बेटे को 10 साल के भेजता हूं, उसका कारण क्या है कि चूंकि वहां पर मजदूर काम कर रहा है, 20 मजदूर हमारे खेत में लगा हुआ है, और 20 मजदूर के साथ सामने हम अपनी बेटी को, हो सकता है उसकी कैपेबिलिटी डेफिनेटली 15 साल की है, तो उसकी मैच्योरिटी ज्यादा होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, वो कैलकुलेशन बेहतर कर सकती है, लेकिन हम उसको नहीं भेजेंगे क्योंकि हमें डर होगा। किस बात का डर होगा वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है? तो हमारा जब 10 साल का बेटा घर से निकलेगा, बोले जाओ बेटा देख के आओ, खेत पे काम धाम कर रहा है, अच्छे से देख करके आना। वो जाते हुए अपनी बहन को क्या करेगा, तेरी कोई औकात नहीं है। ये एक मानसिकता जन्म लेती है वहां से। हम लोग सब इसके भुक्तभोगी होंगे, अपने घर में देखेंगे आप, आपको एहसास होगा। अगर खुली आंख से साफ दिमाग से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो प्रॉब्लम, समस्या कहां पे है? समस्या हमारी उस सोच में है कि जब 10 साल, ऑब्वियसली हम 10 साल के हैं, हम अपनी 15 साल के सिस्टर के ऊपर इंपोर्टेंस दिए जा रहे हैं, तो वहीं से समझ में आ जाएगा हम कभी अपनी सिस्टर की इज्जत नहीं करेंगे। जब हम खुद के बहन की इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर निकलेंगे दुनिया की लड़कियों की क्या इज्जत करेंगे? सिंपल सा कोरिलेशन। अब साउथ इंडिया में देख लीजिए आप, साउथ इंडिया क्या है, पठारी क्षेत्र है, कृषि है लेकिन प्रधानता नहीं है, कृषि की प्रधानता नहीं है। वहां की अर्थव्यवस्था या तो उद्योग पर आधारित होगी या सेवा पे होगी। अब सपोज कीजिए कि सेवा क्षेत्र की प्रधानता है, अब हम अपने बेटे को 10th क्लास के बाद, बेटा बोल रहा है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा, बेटी बोल रही है कि मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगी, दोनों में विभेद करने का मेरा कोई कारण हो सकता है? डिफ्रेंशिएट करने की कोई वजह नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बेटी पूरे थ्रू आउट स्कूल में 10th तक जो है ज्यादा बढ़िया मार्क्स लाई हो, ज्यादा टैलेंट दिखाई हो बनिस्बत बेटे के, बेटी पे हमको ज्यादा भरोसा होगा कि सचमुच बढ़िया कंप्यूटर इंजीनियर बन के निकलेगी, बेटा पे भरोसा ही नहीं होगा, हो सकता है कि उस पे लगेगा मतलब कंप्यूटर इंजीनियर तुम सीखने जाओगे तुम कहीं और चले जाओगे। तो वहां पे क्या होगा, हम बेटी को भी कंप्यूटर इंजीनियर बनाएंगे, बेटे को भी बनाएंगे, हो सकता है बेटी अच्छे मार्क्स से लाएगी, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो वो एक अलग समाज को जन्म देता है, ये एक अलग समाज को जन्म देता है, पर्वतीय क्षेत्र एक अलग समाज को जन्म देता है। तो जब हम उस संदर्भ में देखते हैं, जैसे एक पर्वत की बात कर रहे हैं, तो एक पर्वत भूगोल के विद्यार्थी के लिए पर्वत एक एंटिटी है, एक स्थल आकृति है। इकोनॉमिस्ट के लिए पर्वत एक क्षेत्र है संसाधन का। सोशियोलॉजिस्ट के लिए पर्वत किस प्रकार के समाज को जन्म देता है वो है। अगर हम बॉटनिस्ट के लिए देखें तो पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं वो उसको पढ़ेगा। अगर हम जूलॉजिस्ट की बात करें तो पर्वत में किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं वो उसको देखेगा। लेकिन एक वुड बी आईएएस ऑफिसर इन सब का निचोड़ देखेगा। बस इतना डिफरेंस समझ लीजिए, आपकी तैयारी हमेशा लाइन पे रहेगी और सीधी रेखा में रहेगी, जिसकी बहुत आवश्यकता है कि आप रास्ते में गुम ना हो जाएं। उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप ये समझिए कि आपसे डिमांड क्या है, आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, यूपीएससी आपसे क्या चाहती है और इस प्रकार के प्रश्न वो क्यों पूछ रही है, ठीक है? इसी संदर्भ में हम आते हैं फिर से फिजियोग्राफी पे। तो जब हम भूआकृति की बात करते हैं तो 3 शब्द आते हैं इसमें, फिजियोग्राफी, लैंडफॉर्म्स और लैंडस्केप। लैंडफॉर्म्स मींस स्थल आकृति, परिदृश्य। इन तीनों का शाब्दिक अंतर जानना जरूरी है। फिजियोग्राफी एक बड़ा शब्द है अपेक्षाकृत, जो उस क्षेत्र के एक फिजिकल एंटिटी को की एक बड़ी पहचान को बताता है, जबकि स्थल आकृति उन छोटी छोटी पहचानों को भी बताता है। जैसे हम बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र, तो जब हम पर्वत बोलते हैं तो ये अपने आप में एक स्थल आकृति भी है, लेकिन ये पूर्ण रूप से फिजियोग्राफी है, भू आकृति है।
लेकिन उस पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे और भी छोटी छोटी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जैसे वी आकार की घाटी है, जलप्रपात है, कैनियन है, पासेज हैं जो दर्रे बोलते हैं, तो बहुत सारे और स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो फिजियोग्राफी भू आकृति एक बड़ा शब्द है, स्थलाकृति उस बड़े के साथ साथ छोटा छोटा भी इंक्लूड करता है। जबकि जब हम लैंडस्केप की बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं ये, नेचुरल प्राकृतिक प्रदेश और कल्चरल सांस्कृतिक प्रदेश। तो जब हम प्राकृतिक प्रदेश की बात करते हैं तो उस स्थल आकृति या भू आकृति के साथ अन्य प्राकृतिक तत्वों को भी हम शामिल करते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र में वन्य प्राणी या किस प्रकार के वेजिटेशन या फॉरेस्ट वन पाए जाएंगे, इन सब को जब हम सामूहिक रूप से देखते हैं तो उसको हम नेचुरल लैंडस्केप बोलते हैं। हम पर्वत बोलते हैं तो पर्वत शब्द में वन इंक्लूडेड नहीं रहता है, पर्वत शब्द में वहां पे लायंस कैसे पाए जाएंगे, लियोपर्ड कैसे पाए जाएंगे, ये हम हिरन पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, ये हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जब हम नेचुरल लैंडस्केप की बात करेंगे तो उसमें सारे प्राकृतिक तत्वों को हम इंक्लूड करके सामूहिक रूप से जब देखते हैं तो उसको हम नेचुरल लैंडस्केप कहते हैं। अब उसमें जब हम मानव निर्मित अगर तत्वों को शामिल कर लेते हैं तो उसको हम कल्चरल लैंडस्केप बोलते हैं, जैसे बस्तियां हुई, जैसे कृषि के कोई प्रकार हुआ, कोई फसल हमने उगाई है वहां पर। तो जब उस भू आकृति को, उस स्थल आकृति को हम मानव जनित स्थितियों से या तत्वों को सामूहिक रूप से देखते हैं तब हम उसे कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक परिदृश्य कहते हैं। क्लियर है हम लोग? अब आते हैं यहाँ पे, जैसे सांस्कृतिक परिदृश्य में अगर देखें तो पर्वत में, पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि पाई जाएगी, जो फसल होगी प्रकार अलग होगा, कृषि की पद्धति अलग होगी, कृषि की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम होंगी। अब जब आप लिखते हैं उत्तर में मेंस में तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बुक फ्रॉम बुक्स, अपार्ट फ्रॉम बुक्स, किताबों से हट करके बातें करना लेकिन संदर्भ में बातें करना। तो जैसे सपोज कीजिए कि आप एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जो हम सभी को समझ में आता है क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग उसको जीते हैं। सपोज कीजिए कि एक प्रश्न आ गया कि विश्व के तापीय क्षेत्र का वितरण दर्शाते हुए उसके कारण तथा परिणाम की चर्चा करें, यानी कि आपको किस पे उत्तर लिख रहे हैं आप, तापमान पर। कोई नहीं, छोड़ दो, जिसकी बंदरी वही नचावे। सपोज कीजिए हम तापमान पे एक प्रश्न लिख, उत्तर लिख रहे हैं, तो अब आमतौर पे बच्चे क्या लिखेंगे कि तापमान ये होता है, तापमान ऐसे कारण होते हैं, तापमान के ये तापीय क्षेत्र हैं, तो विषुवतीय है, तफला है, डिका है, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय है, लिख करके उसके कारण लिख दें। लगभग सभी बच्चे ऐसे ही लिखेंगे, राइट? तो हम जब मार्क्स देना शुरू करेंगे एज एन एग्जामिनर, जब कोई एग्जामिनर मार्क्स देना शुरू करेगा तो वह कैसा देगा, जनरल मार्क्स दे देगा फिर, राइट? स्पेशल मार्क्स किसको मिलेगा? जब हम तापमान को, क्या हम एक तो पढ़े हैं और हम समझे क्या है, एक ताप पढ़ना होता है, एक अध्ययन करना होता है। पढ़ते वो लोग हैं जिनको क्लर्क बनना है, एक आईएएस को, भावी आईएएस को अध्ययन करना होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आज जो आप ड्रेस पहने हुए हैं, दिसंबर में यही ड्रेस नहीं होगा, कारण क्या है, तापमान। कृषि के प्रकार में बदलाव, कारण क्या है, तापमान। वन्य जीव या वन के प्रकार में अगर परिवर्तन देखें तो कारण क्या है, तापमान। यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था को, आपकी सामाजिक स्थिति को,
आपकी सांस्कृतिक अवस्था को तापमान पूर्ण से प्रभावित करता है, और ये आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, ये किताब नहीं बताएगा आपको। और जब आप उसको जैसे सपोज कीजिए, कभी डांस फॉर्म देखे होंगे सभी लोग, ज्यादातर लोग सब तरह का डांस देखे होंगे, कभी यूरोपियन डांस देखो और डिफरेंशिएट करो, एक आईएएस ऑफिसर कैसे उस डांस को भी देखेगा और कैसे उसमें भी यूपीएससी की तैयारी कर लेगा वो। आप अगर अफ्रीकन डांस देखो, या यूं कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो डांस में संचलन होगा, जो चाल होगी डांस की, वो ओपन बॉडी डांस होता है, और जो यूरोपियन देशों में डांस होगा वो क्लोज बॉडी डांस होता है। जैसे आपने सुना होगा हिप डांस, हिप का मतलब बैक, बेली डांस पेट, पेट का डांस, फिंगर डांस उंगली से करते हैं, नेक डांस, यानी कि बॉडी का कोई एक भाग मूव करता हुआ नजर आएगा और अच्छा भी लगता है। आप अफ्रीकन चले जाइए तो एक हाथ यहां रहेगा, दूसरा यहां, पांव वहां, और ऐसे जंप कर करके डांस करेंगे। अब इसका तापमान से क्या संबंध है? अगर आप गर्मी के दिनों में अपने सोने की अवस्था को और सर्दियों के दिनों में आप अपने सोने के तरीके में अंतर समझ लीजिए, तो आपको इसको डांस में अंतर समझ में आ जाएगा। गर्मी के दिनों में कैसे सोते हैं? बिल्कुल फैल के सोते हैं, और सर्दियों में बिल्कुल सिकुड़ के सोते हैं। तो जहां पे सर्दियां होती हैं वहां पे क्लोज बॉडी डांस होता है, और जहां पे गर्मी पड़ती है वहां पे ओपन बॉडी डांस होता है। इतना करता है आपको प्रभावित। तो जब आप तापमान लिखने लगे तो इस बात का निचोड़ 10 वर्ड में, 5 वर्ड में, 15 वर्ड में आरंभ वहां से कीजिए कि आप एग्जामिनर को यह बताइए कि सर हम सिर्फ नॉलेज ही नहीं रखते हैं बल्कि उसका एप्लीकेशन पार्ट भी हमको बताते हैं, बाकी कंटेंट सब सेम होगा। लेकिन जब आप उत्तर लिखते हैं और जब तापमान की शुरुआत वैसे करते हैं, एग्जामिनर समझ जाता है कि यह बंदा है डिसीजन लेने वाला, यह बंदा है जो पढ़ता ही नहीं है, सोचता भी है। और जब आप सोचते हैं तो वहां से आपकी तैयारी का आरंभ होता है। तो तापमान अगर हम लिखना शुरू करें तो आरंभ लाइन ऐसा होना चाहिए कि तापमान जलवायविक तत्वों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मानव की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करते 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 हुए कई सारे प्राकृतिक आस्पेक्ट को भी प्रभावित करता है। तापमान के इतने क्षेत्र हैं, अब उस पर आप आ जाइए। तो ये जो आप एडिशनल एक लाइन या 10 वर्ड या 15 वर्ड देते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा एज देता है, और ये तभी आएगा जब आप सिर्फ पढ़ते नहीं है बल्कि अध्ययन करते हैं। तो जब हम भूआकृति की बात करते हैं तो भूआकृति किस प्रकार से कई सारे परिपेक्ष को प्रभावित करता है उस संदर्भ में देखें। संसाधन पे इसका क्या प्रभाव है? अगर कह दें हम एक प्रश्न लिखिए, आपकी सोचने के लिए हम एक प्रश्न दे रहे हैं, किसी भी क्षेत्र की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का आधार भूआकृति होता है, भूआकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के साथ चर्चा करें। अगर हम तीन मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करें, फिजियोग्राफी की बात करें, तो तीनों में संसाधन के प्रकार अलग अलग होते हैं। हमारे यहां सबसे अधिक खनिज संपन्न क्षेत्र कौन कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार और कर्नाटक का पठार और बस्तर का पठार
बुंदेलखंड का पठार चार है हमारे यहाँ में, चार प्रमुख है, महाराष्ट्र में नहीं है, दक्कन का पठार नहीं है, वो सबसे कम वाला है, उसमें हम आएंगे। अब पठार के प्रकार होते हैं अलग सी बात है, लेकिन चारों में कॉमन बात क्या है, पठार है। यानी कि एक विशेष प्रकार का पठार की अगर हम बात करें तो वो संसाधन संपन्न होगा। आप लोगों ने ज्वालामुखी पढ़ा है, वो कोई भी किसी भी स्थल आकृति का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है। ज्वालामुखी में जब लावा ऊपर आता है तो ऊपर आते हुए हुई अलग अलग प्रकार के चट्टान का निर्माण करता है। यानी कि सेम ज्वालामुखी के तत्व जो होते हैं वो यहां पे अलग चट्टान, यहां पे अलग, यहां पे अलग, और ऊपर जाते जाते अलग अलग प्रकार के चट्टानों का निर्माण करते हैं, उनके घनत्व में निरंतर कमी आती जाती है। क्यों कमी आती है? जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी क्षेत्र में इस प्रकार का एक आकृति बनाते हैं, या धरातल से हम जब नीचे जाते हैं तो अलग अलग स्थानों पर सेम ही ज्वालामुखी चला है, जो लावा है या मैग्मा है सेम चला है ऊपर। यहाँ पे अलग प्रकार का चट्टान बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा, यहाँ पे अलग बनेगा, और तीनों में घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी आती जाएगी। जो धरातल से सबसे नजदीक होगा वो न्यूनतम सघनता वाला होगा, और जितना हम दूर जाते जाएंगे अपेक्षाकृत सघनता उसकी बढ़ती जाएगी। तापमान के कारण खनिजों की मात्रा किस प्रकार से हल्की हो जाएगी, तो हाँ यहां पे आते हैं, यही चीज है कि इसमें क्या होता है, घनत्व में अंतर का कारण क्या होता है कि जब भी ये ऊपर चलता है तो संचलन की गति हल्के तत्वों की अपेक्षाकृत अधिक होगी और भारी तत्वों की अपेक्षाकृत कम होगी। जैसे हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं, मान लीजिए 10 वैरायटी के मिनरल्स है, चट्टान क्या होता है, खनिजों के समूह को हम चट्टान कहते हैं। यानी कि किसी भी चट्टान को हम उठाएं तो कई प्रकार के खनिज पाए जाएंगे। यूपी के बालू में सोना मिलेगा क्या? मिलेगा। यहां पे भी आप खोद दीजिए सोना मिलेगा, सोने के कण मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक कण निकालने में जितना खर्चा लगेगा उतने में आप कल्याण ज्वेलर्स खरीद लीजिएगा, तो आप यहां सोना नहीं निकालिएगा, यहां पे सोने की खान नहीं होगी। देखिए, खनिज का पाया जाना और खान का पाया जाना दोनों अलग अलग चीजें। खनिजों के समूह को हम चट्टान कहते हैं, तो किसी भी चट्टान पे आमतौर पे लगभग सारे जाने माने खनिज मिल जाएंगे, लेकिन उसकी मात्रा ऐसी नहीं होगी कि जब हम वहां पे दोहन करना चाहें तो वो एक उसका फाइनेंशियल वायबिलिटी हो उसमें, यानी कि जितना खर्च करेंगे आमदनी उससे कई गुना कम होगी। जैसे ही खर्च के हिसाब से आमदनी अधिक होती है उसको हम खान मान लेते हैं, जैसे लोहायस्क का खान, तो जब उसमें निकलता है तो क्या ऐसे हाथ डालिए लोहा लोहा ही निकलता है, ऐसा तो नहीं है, उसमें काफी इंप्योरिटीज होती हैं, राइट? तो जब हम लोहा निकालते हैं उसमें तो अधिकतर मात्रा में लोहा होता है 20% 25%, बाकी अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, उसको हम खान बोल देंगे, राइट? तो जब हम यहां पे बातें हैं तो जैसे चट्टान खनिजों का समूह होता है, तो जब यहां पे जो खनिज पाए जाएंगे उसमें अधिक घनत्व वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होगी, जैसे ही हम यहां आ जाएंगे तो कम घनत्व वालों की थोड़ी ज्यादा होगी और अधिक वालों की इससे कम होती जाएगी, ठीक है? अब सपोज कीजिए प्रीलिम्स का एक स्टेटमेंट देते हैं जो कभी बुक में आप नहीं पढ़ पाएंगे, जो पूछा गया है कि अब ये सपोज कीजिए एक पर्वतीय क्षेत्र है, ये इस पर्वत को यदि हम तीन भाग में बांटें, आपको स्थल आकृतियों का वितरण और उससे संबंधित संसाधन समझ में आ जाएगा। यदि हम इसको तीन भाग में बांटते हैं तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ऊपरी भाग में कम घनत्व वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा अधिकतम होगी, कह सकते हैं? मध्यम वाले भाग में
अपेक्षाकृत अधिक होगी लेकिन इससे कम होगी। हम कह सकते हैं कि निचले भाग में अधिक घनत्व वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होगी। अब ये प्राचीन काल का पर्वत है, अब जब इसको कटाव होगा तो इससे अवसादी चट्टान निकलेंगे और ये अवसाद कहीं और जाकर के जमा होना शुरू हो जाएगा। जिस क्षेत्र में ये जमा होगा उसको हम कौन सा स्थलाकृति नाम देते हैं? ये कौन सा स्थलाकृति का निर्माण कर रहा? अवसादी चट्टानों के जमाव से मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो गया। अब मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज पाए जा रहे हैं? हल्के तत्वों वाले, कम घनत्व वाले। तो हम कह सकते हैं क्या कि मैदानी क्षेत्रों में धात्विक खनिज की खान की उपलब्धता नगण्य होगी, जीरो लेवल पे होगी। यही वजह है कि आप राजस्थान से लेकर असम तक चले जाइए, किसी भी मैदानी राज्य में आपको लोहे की खान, कॉपर की खान, यूरेनियम की खान इत्यादि नहीं मिलेगी, राइट? अब जब ये कटता जा रहा, एक समय आया मिलियन ऑफ वर्ष के बाद कि ये वाला क्षेत्र एक्सपोज्ड हो गया, यानी कि ऊपर का सारा उड़ गया। इसको क्या बोलते हैं? हम पठार बोलते हैं। अवशिष्ट पर्वत यहां तक हुआ, जैसे ही नीचे का एक्सपोज्ड हो गया इसको हम प्राचीन पठार बोलेंगे, नवीन पठार नहीं हो गया। डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, विध्वंसकारी पठार होता है, जो बहिर्जात बलों के कारण इसका निर्माण होता है। तो जब ये खुल गया और ये नीचे के का भाग जो है पूरी तरह से खुल गया, ऊपर वाला सब हट गया है, तो इसमें क्या होगा? धात्विक खनिज पाए जाएंगे। समझ रहे हैं हम लोग? अधिक घनत्व वाले तत्व का मतलब है धात्विक खनिज पाए जाएंगे। जब अगर हम इसको एक्सपोज्ड होने देंगे, यानी कि कोई भी प्राचीन क्षेत्र जो इतने मिलियन वर्ष तक बहिर्जात बल कार्यरत है कि उसके ऊपरी भाग को हटा करके निचले भाग को एक्सपोज कर दिया है, खोल दिया है, वहां पे धात्विक खनिजों की संभावना अधिकतम हो जाएगी। यही कारण है कि पठारी क्षेत्रों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अब देख लीजिए, एक टर्म है सिलेबस में, विश्व के संसाधन। आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैप देखिए, एटलस देखिए, सब चीज क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना जानना है कि यह निर्माणकारी पठार है या ये विध्वंसकारी पठार है, जो बहुत आसानी से पता चल रहा है। थैंक यू। सिर्फ इतना जानना है कि ये डिस्ट्रक्टिव प्लेटू है या कि कंस्ट्रक्टिव प्लेटू। जैसे डेक्कन लावा है, दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार क्या है? निर्माणकारी पठार है, तो उसमें खनिजों की संभावना अपेक्षाकृत बहुत ही कम होगी। अगर विश्व स्तर पे देखें तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि जितने भी विश्व में प्राचीन पठार होंगे उसमें धात्विक खनिज की मात्रा अधिक होगी और वो क्षेत्र खनिज संपन्न क्षेत्र होगा। सिंपल सा कोरिलेशन है। तो जब हम स्थलाकृति पढ़ते हैं तो सिंपल सा कोरिलेशन नहीं करते हैं, बल्कि उसमें संसाधन की बात करते हैं। अभी हमने बात किया कि पर्वतीय क्षेत्र में जो वन प्राणी होंगे वो अलग प्रकार के होंगे, जो वन का प्रकार होगा वो अलग होगा, मैदानी क्षेत्र में अलग होगा, पठारी क्षेत्र में अलग होगा, सामाजिक व्यवस्था भी अलग होती है। उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में इंडिविजुअलिज्म ज्यादा होता है। जैसे अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र का आपका दोस्त हो, आप उसको देखेंगे वो अकेले मूवी देखने चला जाएगा, एंजॉय करके चला आएगा। जितने भी मैदानी या बिहारी यूपी वाले हरियाणा वाले हो, कभी मन करता है कि अकेले फिल्म देखने चले जाएं? नहीं मन करे, ग्रुप में जाने का मन करेगा, क्योंकि बचपन से हम ग्रुप के आदि होते हैं। किस प्रकार से भूगोल आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है ये मैं बता रहा हूं आपको। एक पर्वतीय क्षेत्र में सपोज कीजिए कि पर्वत में घर है, दूसरा घर एरियल डिस्टेंस 100 मीटर पे होगा, दूर होगा, लेकिन उसके यहां तक कनेक्शन में पहुंचने में काफी समय लग जाएगा, आड़ा तिरछा ऊपर नीचे ऐसे होगा। सपोज कीजिए कि हम दो भाई बहन घर में बैठे हुए हैं, माता पिता काम करने चले गए, एक सांप आ गया, पर्वतीय क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो हम पड़ोसी से उम्मीद नहीं करेंगे कि वो आए और सांप को मारे और फिर हमारी मदद करे, तब तक मैं सांप अपना काम करके निकल जाएगा। तो जो भी कुछ करना है क्या करना है? हम ही दोनों को करना है। वहीं से इंट्रोवर्टनेस आता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। मैदानी क्षेत्र में क्या होता है? दूर कहीं धुआं दिखा,
तो वहां से जैसे नहीं सास कभी सास भी बहू थी वाले सीरियल में आता, आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी, दौड़ो 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 दौड़ो, मतलब सब लोग कूद पड़ेंगे वहां जाकर। तो बचपन से हम उस सहायता के आदि हो जाते हैं, तो उससे ग्रुपिज्म डेवलप होता है। जब ग्रुप डेवलप होता है तो उसमें एक अलग मानसिकता पनपती है जिसको हम कनिंगनेस बोलते हैं। फिर आप ग्रुप का निर्माण करते हैं, दो ग्रुप होता है, दो चार ग्रुप होता है, हर ग्रुप का हेड जो है अपने ग्रुप को बढ़ाना चाहता है और उस बढ़ाने की मानसिकता में दूसरे के अंदर त्रुटियां निकालता है। और त्रुटियां जब निकालिएगा तो कुछ झूठ कुछ सही भी बोलना पड़ेगा, कुछ सही तो कुछ झूठ भी बोलना पड़ेगा, उसके पास मत जाना, बहुत बदतमीज आदमी, कैसे भाई, अरे तुम नहीं समझोगे ना, तुम मेरे पास रहो। तो वो जो मानसिकता का विकास होता है, ग्रुपिज्म का विकास होता है जब हम ग्रुप में चलते हैं, तो उसका विकास मैदानी क्षेत्रों में होता है, पर्वतीय क्षेत्र में वैसा नहीं होगा। जबकि पठारी क्षेत्र में अगर देखें तो इसका मध्य भाग होगा, ना उतना कनिंग होगा ना उतना इंडिविजुअल होगा। अब सोचिए उस मानसिकता, हम उस मानसिकता की बात करते हैं जो आपका रूट है, और वही कारण है कि जब आप चले जाइए कि आप रिलीजियस फैनेटिज्म पे चले जाइए या फिर लिंग अनुपात पे चले जाइए या किसी प्रकार के जो सोशल लेवल्स है उसका कुछ संदर्भ नहीं है। जब भी इंट्रैक्शन की बात, जैसे एक बच्चे ने यहाँ पे बताया था कि आपने बताया था कि आक्रमण जब भी होता है ना तो आप स्ट्रांग होते हैं। जब भी आक्रमण होता है तो दो प्रभाव होता है, एक तो आप जो है रेसिस्टेंस बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है आपका, और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो आप स्ट्रांग होते हैं। दूसरा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है तो आप रिच होते हैं। अब जैसे एक कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं पिछले 3 साल से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अभी तक पूछा नहीं है, इसका मतलब कभी भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राज्यों को यदि हमारे यहां देखें, चूंकि आप भूगोल का एक अच्छा खासा भाग पढ़ चुके हैं तो मुझे लगता है बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। पश्चिमी राज्यों को अगर अपने यहां देखें तो पूर्वी राज्यों की अपेक्षा अधिक संपन्न है। आप गुजरात से केरला तक चले जाइए, इधर बंगाल से आप तमिलनाडु चले जाइए, उड़ीसा देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, इवन बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, और कारण क्या है? कौन सा? हाँ कारण तो इधर भी तटीय है, हम तटीय राज्यों की बात कर रहे हैं, हम आंतरिक राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों क्षेत्र के तटीय राज्यों की ही तुलना कर रहे हैं। कभी अब जैसे ऐसे प्रश्न आ जाएंगे जो किताब आपको कभी नहीं बताएगा, अगर आपने उस दिशा में सोच नहीं बनाई है तो समस्या पैदा हो जाएगी। कारण इस क्लास में बैठे हुआ हर एक बच्चा जान रहा है, समस्या यह है कि आपने सोच का विकास नहीं किया है कि आप वहां तक पहुंच पाए। मुंबई में औद्योगिक विकास हुआ तो कोलकाता में भी हुआ है, पश्चिमी देशों से निकटता एक कारण वो हो गया। जैसे पश्चिमी देशों से अगर मध्य भारत में देखा जाए, मध्यकालीन युग में देखा जाए, तो जो अरब वर्ल्ड था वो ज्यादा विकसित था, वो भी पश्चिमी राज्यों से करीब था। उसके बाद मॉडर्न अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा थी, वो पश्चिमी राज्यों से ज्यादा विकसित था, एक कारण वो हुआ। उससे भी बड़ा कारण है आपदा। यदि अब आपदा की संभावनाएं देखें, आपदा की आप फ्रीक्वेंसी देखें, तो पश्चिमी राज्यों में अपेक्षाकृत आपदाएं काफी कम आती, पूर्वी राज्यों में आपदाएं बहुत अधिक आती। जब पूर्वी राज्यों में आपदाएं आएंगी और आपदा संभावित क्षेत्र में मानसिक संकुचन आता है, साइकोलॉजिकल इंफीरियरिटी आती है। जैसे बिहारीज, बहुत सारे लोग हाथ उठाए थे, बिहारी शब्द से घृणा होती है थोड़ी सी ना, अगर कोई बुला दे गए बिहारी इधर आओ, ए पंजाबी इधर आओ, पंजाबियों को बुरा थोड़ी लगेगा, लगता है क्या? ए हरियाणवी इधर आओ, ए गुजराती की हालचाल, तो किसी को बुरा नहीं लगता, बिहारियों को बुरा क्यों लग जाता है? हो सकता है कि अभी आपको ये सब चीजें शायद बहुत लॉजिकल ना लगे,
लेकिन यूपीएससी का आधारभूत यही है। आप मेंस में मेरे शक्ल याद कीजिएगा, आई एम टेलिंग यू, मेंस लिखने लगेगा तो मेरा चेहरा याद आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो इसी तर्क पर आधारित होंगे, हो सकता है एग्जैक्ट नहीं पूछे। बिहारियों की मानसिकता वैसे क्यों होती है, रिएक्टिव होता है, इन जनरल इंडियंस आर रिएक्टिव। अगर आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लोगों को देखें तो रिएक्टिव होते हैं, अगर आप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चले जाए तो रिएक्टिव नहीं होते। ये सब कहीं ना कहीं आपके जलवायु का और स्थलाकृति का सामूहिक परिणाम है। तो जब स्थलाकृति हम देख रहे हैं तो उससे संसाधन का हम लिंक करेंगे, उससे हम कृषि के प्रकार का लिंक करेंगे, उससे हम वन के प्रकार का लिंक करेंगे, उससे हम सामाजिक और आर्थिक दशाएं देखेंगे, उससे हम सांस्कृतिक आस्पेक्ट देखेंगे, उससे हम मानसिकता देखेंगे, उससे हम साइकोलॉजी देखेंगे। यदि हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास अपेक्षाकृत कम होगा, पर्वतीय क्षेत्र में खनिज संपदा कम होगी, वन संपदा अधिक होगी। आप जैसे कई बार पूछे देखेंगे यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य या राज्यों के समूह को दे देगा, अब बोलेगा इसके लिए विकास का एक मॉडल सजेस्ट करें। तो मॉडल तो तभी सजेस्ट करेंगे जब उसकी बेसिक्स पता हो आपको, और बेसिक सिर्फ भूआकृति नहीं होती है बल्कि उसका सामूहिक परिणाम होता है। अब पर्वतीय क्षेत्र में अगर विकास का मॉडल समझाएंगे पर्वतीय राज्यों में, तो उसमें क्या होगा, कभी ये थोड़ी बोलेंगे कृषि में बहुत अच्छा सा ये देना चाहिए, हरित क्रांति का विस्तार करना चाहिए, वहां पे काम नहीं आएगा। वहां पे किसका विकास होना चाहिए, पर्यटन का विकास होना चाहिए, वहां पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का विकास होना चाहिए, साहसी खेलकूद का विकास होना चाहिए, वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ावा देना चाहिए, एरोप्लेन की व्यवस्था ज्यादा करनी चाहिए, चूंकि सड़क मार्ग और रेल यातायात बहुत अधिक विकसित नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए कि आप आपदाओं की बात करते हैं, तो जितने भी पूर्वी तटीय राज्य हैं या तो साइक्लोन है या बाढ़ संभावित क्षेत्र है। हरित क्रांति का विकास, मैं प्रश्न बता रहा हूं यूपीएससी में, केवल मध्य भाग में, भारत के उत्तरी मध्य भाग में ही हुआ, कारण बताएं। तो यहां की आप पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे तो दूसरी जगह के नेगेटिव पॉइंट भी बताएंगे। बिहार और यूपी या बंगाल या असम में जो मृदाएं हैं वो अपेक्षाकृत अधिक उर्वर हैं, प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में, कृषि संबंधित संसाधन के संदर्भ में वो लोग बहुत रिच है वो स्टेट्स, फिर भी वहां पे हरित क्रांति का विकास नहीं हुआ। कुछ पॉइंट्स तो आपको बुक से मिल जाएंगे, लेकिन जब आप आपदाओं की बात करेंगे, जब मानसिकता की बात करेंगे, और वो मानसिकता जो साइकोलॉजिकली इंफीरियर होती है वो किसी भी नए चीज को ग्रहण करने में बहुत देर लगाती है। वो नए तरीके से बताने में, जब कोई नई चीज बताई जाती है तो उसका ग्रहण करना उसको थोड़ा सा अपेक्षाकृत दिक्कत होती है। आप बुरा मत मानना एक बात का, मैं तथ्य बता रहा हूं, हिंदी माध्यम के छात्रों में अपेक्षाकृत प्रतिशत मात्रा देखें तो कम होता है सिलेक्शन, ये तथ्य है। कारण बताइए, आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हो, आपको कारण पता होना चाहिए। जबकि मैं खुद हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं, अच्छा खासा इंटरेक्शन है बच्चों से, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट हिंदी माध्यम के छात्रों में अधिक है, फुलफिल करता है वो, उसका इस्तेमाल नहीं करता है। यूपीएससी में क्या चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए क्या? नहीं, इंटेलिजेंट लोग क्लर्क बनते हैं। हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्टनेस चाहिए, स्मार्ट लोग चाहिए, जो पढ़े चार बात और समझे दस बात। बिहारियों से ज्यादा कोई कर सकता है ये काम क्या? नो, ट्रस्ट मी फॉर दैट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, चाहे हरियाणवी हो या बिहारी हो या यूपी वाले, जो मैदानी, जो जिस कनिंगनेस की बात कर रहा हूं, बचपन से तो आप मतलब दूसरों को जो चूना लगा दिया, आज यकीन मानो पढ़े लिखों की तरह चूना लगाओ यूपीएससी क्वालिफाई कर गए तो, इंटेलेक्चुअल चूना लगाना है बस यहां पे। यूपीएससी में एग्जामिनर को आपको चूना लगाना है, चूना तथ्यों से नहीं लगता है। एक चाय पे, चाय की दुकान पे बैठा एक जाहिल लड़का बिहार में मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति को
पूरी तरह से क्रिटिसाइज करके और खुश होकर के चाय बेच लेगा। उसको तो कुछ नहीं आता है, फॉरेन पॉलिसी बकवास है उसकी, और वो दूसरी क्लास पास नहीं है और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर देगा। इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। आपसे स्मार्ट यकीन मानो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं है, समस्या है सोच में, मानसिकता में। जब भी आपको नई चीज दी जाती है या नई चीज का ये होता है तो आप जिस रूढ़िवादिता से आए हो उससे हटना नहीं चाहते, उससे बदलना नहीं चाहते। एक दिमाग में एक इमेज लिए हो कि हार्ड वर्क मतलब 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ना। 18 घंटा अगर आप पढ़ते हो तो आप बैल हो, आदमी नहीं हो। और यूपीएससी बैल क्वालिफाई नहीं करता है, आदमी करता है। समस्या क्या है कि हम पढ़ते कैसे हैं? आप शुरू हो जाते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर देते हैं, वैसे पुरानी पढ़ाई है, वो यूपीएससी की पढ़ाई नहीं है। रट आप उसको सोचिए। आप एक जब एक एटलस देखते हैं, मैप देखते हैं, विश्व का मैप देखिए, मैप वर्ल्ड मैप लाइव आप लोग एटलस सबके सब पास है, एक बार खोलो वर्ल्ड मैप। कोई नहीं, पड़ोसियों से मदद ले सकते हैं। या नहीं तो मोबाइल का कभी कभी पॉजिटिव यूज ले कर सकते हैं। हल्का फल्का याद तो होगा सभी को वर्ल्ड मैप। आप यहां से उठाओ वर्ल्ड मैप, जापान आएगा, सीधे आएंगे रशिया आएगा, सीधे आएंगे पश्चिमी यूरोपियन देश आएगा, सीधे आएंगे उत्तरी अमेरिका आएगा। जैसे ही नीचे आएंगे चाइना, भारत, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी महाद्वीप में देखेंगे, उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे रुआंडा, बुरुंडी, सोमालिया, कीनिया। विषुवतीय क्षेत्र हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। अब एक जो ज्योग्राफी का बच्चा देखता है उस जापान का लोकेशन देखता है, पश्चिमी यूरोपीय देशों का लोकेशन देखता है, उसकी अवस्थी देखते हैं। एक आईएएस ऑफिसर वहां पे अटक जाता है और देखता है कि सभी विकसित देश जो है एक अक्षांश विशेष में पाए जाते हैं। अब उस पर वो खुद से प्रश्न पूछेगा, एटलस आपको नहीं बता रहा, ये चीज इनडायरेक्टली बता रहा है, खुद से प्रश्न पूछेगा कि क्या अक्षांशीय अवस्थिति का संबंध विकास से है। अब जैसे ये प्रश्न पूछेंगे, आपने जेन्युइनली आईएएस की तैयारी शुरू करी है, अभी शुरू करिए। इससे पहले आप सीडीएस की तैयारी कर रहे थे, इससे पहले आप कलर की तैयारी कर रहे थे, पीओ की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही आपने ये प्रश्न दिमाग में आया, आपने आईएएस की तैयारी आरंभ की। जैसे ही जाएंगे नीचे देखेंगे, ऐसा क्या है कि उष्ण, अधिकतर विकासशील देश जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, और विषुवतीय क्षेत्र में अधिकतर देश जो है अविकसित है, अंडर डेवलप्ड है। अब जैसे ये प्रश्न पूछा, आपका दिमाग चला, दिमाग बहुत सारे दिशाओं में चलेगा। जैसे ही जानेंगे कि अफ्रीका एक पठारी महाद्वीप है, अफ्रीका एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जिसको हम पठारी महाद्वीप कहते हैं। अभी हमने देखा कि पठार में क्या होता है, खनिज संपन्न होता है। अब प्रश्न पूछ दिया कि अफ्रीका जैसे खनिज संपन्न महाद्वीप में विकास की गति इतनी धीमी क्यों है। अब प्रश्न देख के आपको क्या लगता है कि अफ्रीका के बारे में आपको पूरा जानना चाहिए, पूरी जानकारी होगी तभी आप उत्तर लिख सकते हैं? नहीं, आपसे इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने देश को सही से जानते हैं, क्या आप झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संपन्न राज्यों की अविकसित होने के कारण कभी सोचा है आपने? लिख दीजिए, सिर्फ झारखंड क्या है, सबसे ज्यादा खनिज संपन्न राज्य है, छत्तीसगढ़ वैसे ही है, मध्य प्रदेश वैसे ही है, लेकिन ये तीनों लगभग अविकसित राज्यों में आ रहे हैं। तो अगर कभी ये सोचा है कि यार सारा आयरन ओर, सारा कोल कोयला और ज्यादातर अबरक है, वैरायटी ऑफ मिनरल्स इसी राज्य से आते हैं, फिर भी ये अविकसित है, तो आपने अगर वो सोचा होगा तो अफ्रीका को आप उत्तर
लिख देंगे, और जितनी तथ्यात्मक जानकारी होती है उतनी आपको एटलस से मिल जाएगी। उस उत्तर के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए इस सोच की आवश्यकता जरूरी है। तो जब आप इस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं और 45 से 50 मिनट तक पढ़ने पर आपका दिमाग फटने लगेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 18 घंटा या 14 घंटा जो बोलता है बाद में क्वालिफाई किया हुआ बच्चा, वो बकवास करता है। हाँ, आप 24 घंटे पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए आपको। चलते फिरते अगर ये सोच है आपकी, कारण ढूंढ रहे हैं, सपोज कीजिए किसी बंदे ने आपको रिएक्ट कर दिया तो ऐसा क्यों किया उसने, वो भी यूपीएससी की तैयारी है। चाय पीते हुए आप एक प्रश्न का उत्तर लिख दिए आप दिमाग में, प्रश्न के उत्तर के लिए कई बार कहते हैं ना प्रैक्टिस के लिए पेन पेपर चाहिए, नहीं पेन पेपर सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप अपनी सोच को पेपर पे प्रस्तुत कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन सोच के लिए पेन पेपर नहीं चाहिए। चाय पीते हुए, रास्ता चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, मेट्रो में चलते हुए आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। किताब के साथ बहुत कम बैठना चाहिए, 4 घंटे 5 घंटे आप किताब के साथ बैठ लिए तो बहुत है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी 24 घंटे हो सकती है। सोते वक्त जो भी आपने पढ़ा है, अगर सुबह में उठने के बाद ब्रश करने से पहले आपको ये दिमाग में आया कि हमने रात में क्या पढ़ा था, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता यूपीएससी क्वालिफाई करने से, आई कैन बेट ऑन दैट। लेकिन अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपके अंदर वो जो जुनून चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो कम है अभी, जो आग चाहिए वो कम है। मॉर्निंग में उठने, ब्रश करने से पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इसका मतलब आप 24 घंटे पढ़ रहे हैं। बाहर निकले, ब्रश नहीं कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने पानी फेंक दिया, मग में पानी है, फेंक दिया, बोले अरे तो भारत का नक्शा बन गया, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पानी कड़वा लग रहा है तो आप ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे आ गया, मतलब आपकी सोच में हमेशा यूपीएससी रहनी चाहिए, किताबों में नहीं। तो जो पढ़ने की प्रवृत्ति होगी उस संदर्भ में, उसी कंटेक्स्ट में, चूंकि मैं इसलिए ज्यादा थोड़ा सा बोल रहा हूं कि आपकी ऑलरेडी पढ़ाई हो चुकी है भूगोल की, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, चूंकि हर एक टीचर अपने अपने स्टाइल से पढ़ाता है, मेरा अपना स्टाइल हो सकता है। तो तुलनात्मक अध्ययन टीचरों का मत कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था और भूगोल का कीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, अच्छा जिनके पास भी एटलस नहीं है, कल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक एटलस आपके पास डेली होना चाहिए, क्योंकि एटलस का हम ठीक ठाक इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आते हैं भारत का भौतिक विभाजन। क्लास से पहले अगर कोई प्रश्न हो, मतलब इसको शुरू करने से पहले, तो फील फ्री पूछिए जो भी पूछना है आपको, या कोई सजेशन देना हो आपको दे सकते हैं आप। बिल्कुल नहीं है, बोलिए सर, हिंदी में पूछिए, कभी नहीं पूछेंगे अगर हिंदी मीडियम है ना। देखो एक बात और, ये भी एहसास से कम तरीका कारण होता है, लैंग्वेज कभी आपके लिए बाधा नहीं डालेगा, कभी नहीं बाधा डालता, सोच बाधा डालेगी। जिस चीज को सोच सकते हो उसको लिख सकते हो। तो अभी से करो ना, अभी से इंप्रूव करो ना, इंटरव्यू की तैयारी सबसे पहले होती है। नहीं देखो, कंट्रोल कहां से करना पड़ता है, एक आपकी सोच में मैं बोल रहा हूं वुड बी आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। तो जब आप दोस्तों से बात करते हैं, जब आप अपने सीनियर से बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों से, जूनियर से बात करते हैं, एक रिक्शा वाले से कैसे तुम बात करते हो, ये सब इंटरव्यू का भाग है। और एक कभी भी ये मत सोचना कि तुम उस 3 महीने में अपनी पर्सनैलिटी में परिवर्तन ले आओगे, कभी मत सोचना। क्या चाहिए एक पढ़े लिखे आदमी से, अपेक्षा क्या होती है, एक सिविलाइज्ड की तरह बिहेव कीजिए। अगर हम गुस्सा भी होते हैं, जैसे इंग्लिश का एक कोटेशन है कि इफ आई एम गुड आई एम ग्रेट, इफ आई एम बैड आई एम स्टिल गुड, मतलब हम अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, और अगर हम बुरे हैं तो भी थोड़ा अच्छे हैं। अब हमारी प्रवृत्ति क्या होती है कि हम दोस्तों के साथ एक अलग तरह से बिहेव करते हैं, जब तक 10-20 लच्छेदार गालियां नहीं होती है तो लगता ही नहीं कि अपनापन है, वो घिटोज मेंटेलिटी बोलते हैं उसको।
कि अपना बन दर्शाने के लिए उसको माँ बहन की गाली से शुरुआत करते हैं। ये एक इंटेलेक्चुअल को शोभा नहीं देता, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आप भारत के टॉप 3% मानसिक इंटेलेक्चुअल्स में से हैं। ये डेटा कहता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा भारत के टॉप 3% ब्रेन में से आता है। तो जब आप टॉप 3% ब्रेन में होते हैं तो आपके दो रिएक्शन हो सकते हैं, एक तो कॉलर हिलाएं और दूसरा आप सोच में पड़ जाएं कि हम उस टॉप 3% में हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारियां अपेक्षाकृत बढ़ जाती हैं। आप आदर्श होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम एज ए ह्यूमन बहुत सारी गलतियां करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, लेकिन गलतियों से सीखना। आप किस तरह से बिहेव करते हैं अपनी बहनों से, दूसरों की बहनों से, अपने दोस्तों में, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, क्लास में, क्लास से बाहर कैसे बात करते हैं, ये सब भाग है यूपीएससी के प्रिपरेशन का। और फॉरगेट अबाउट यूपीएससी का प्रिपरेशन, आपकी पर्सनैलिटी का। और हर कोई चाहता है कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो, और अच्छी बनाने के लिए पढ़े लिखे की तरह बिहेव कीजिए। कई बार एक हग जो होता है ना, किसी को गले लगाते हैं, कैसे गले लगाते हैं वो बहुत मैटर करता है, नहीं वो कई सारी गालियों से ज्यादा अहमियत होता है। किस नजर से आप देख रहे हैं वो भी हमारा प्यार दर्शाता है। कोई दोस्त मिलता है उसको हम अपनी आंख से हम बता सकते हैं कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसके लिए माँ बहन की गाली की आवश्यकता नहीं है। ये डिफ्रेंशिएट करना है हमें, चूंकि हम उस माहौल से आते हैं कि हम कॉमनर्स बन जाते हैं, उस कॉमनर्स को हम नहीं बन सकते हैं चूंकि टॉप 3% ब्रेन में से हैं। ये याद दिलाते रहना है अपने आप को, और आप कॉमनर्स की तरह बिहेव नहीं कर सकते। आप चाय ढाबा पे डिस्कशन की तरह बिहेव नहीं कर सकते। आपको अगर लड़की ने छोड़ दिया तो आप तेजाब नहीं डाल सकते। नो, सीरियसली बता रहे हैं, ये मतलब एक जोक की बात नहीं है, एक मानसिकता की बात है। हंसे हम इसलिए कि कॉमनर्स की बात है, ये कॉमनर्स है। हम अगर सपोज कीजिए कि हो सकता है किसी के साथ बहुत अच्छे से रहे, 10 दिन 15 दिन की बहुत अच्छी दोस्ती रही, उस लड़की को हमें कुछ नजर नहीं आया कि बकवास लड़का है, हमने सोचा कुछ और था, ये तो निकला कुछ और, वो हट गई हमारी लाइफ से। आप उस 15 दिन को चेरिश करने के बजाय आप रिएक्टिव ईगो में आ जाते हैं, मेल ईगो इन्फ्लेट कर देते हैं, सीना 58-70 इंच का हो जाता है, आप उससे रिएक्शन बदला लेने चले जाते हैं। ये आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपके पढ़ने लिखने पे लानत है, फिर आप टॉप 3% के कलंक हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल सा है कि एक पढ़ा लिखा आदमी से जो एक्सपेक्टेशंस होती है, जो एक उम्मीद होती है, वो एक अलग होती है। तो आप सिंपल वही बिहेव कीजिए बस। आप जो भी रिएक्शन देते हो किसी के साथ, वो इंटरव्यू का भाग है, समझ लेना। और पर्सनैलिटी को निखारना, दो चीज़ें यूपीएससी में आवश्यक होती हैं। एक ये, इंटरव्यू की तैयारी day 1 से शुरू होती है, और मेंस की वो सोच का विकास करना, बाकी कुछ में जरूरत टाइम नहीं लगता है। पूरी दुनिया की किताब जो आवश्यक पढ़ाई करनी है वो 3 महीना काफी है। 3 से 4 महीना में जितनी भी किताबों की आवश्यकता आप पढ़ सकते हो इस एज में, लेकिन वो आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। असल में जो विकास करना, उसमें जो समय लगता है, उस सोच में जो इंटीग्रेशन सिखाता है, उस सोच में जो आपको जोड़ने के लिए सिखाता है, उस सोच में जो आपको बिहेव करने के लिए सिखाता है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चों की पहली क्लास है ज्योग्राफी के लिए, कोई बात नहीं, इसका आभास नहीं होगा कि आपने पढ़ा नहीं है पीछे, मैं कोशिश करूंगा उस चीज को। लेकिन वही है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बाकी आप लोग समझदार हैं। नहीं आती है, देखो वो सब एक चीज होती है ना, यूपीएससी इस मामले में बहुत ही अनबायस्ड है, बिल्कुल पक्षपात नहीं करती।
तुमको इस कारण कभी दिक्कत नहीं होगी कि तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, तुमका बोलने का तरीका क्या है, तुम हरियाणवी एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हो या साउथ इंडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हो या बिहारी एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हो, वो समस्या कभी नहीं आएगी, ये ध्यान रखो। बट जितना निखार सकते हो, इवन लैंग्वेज की बात बता रहे, इंग्लिश जानना एक सर्टेन एक्सटेंट तक आप लोगों के लिए कंपलसरी है, चूँकि आप भारत के प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं और भारत एक देश में कई देश रहता है, एक देश है लेकिन हमारे इस देश में कई देश रहता है और उस कई देश का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो सबको कैटर करने के लिए उसको आना चाहिए। तो थोड़ी मोड़ी इंग्लिश सीखते रहो, कोई बुराई नहीं है, लैंग्वेज वैसे भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती, नहीं आपकी सोच कमज़ोर है। देखो ये भी एक मानसिकता की पहचान है, मैं बिहार से हूँ और मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मानसिकता है हमारी। इंग्लिश वालों को हम जो लिखेगा अच्छा उसको, इंग्लिश वालों को भी तुम देखो मार्क्स कम आते हैं, बात इंग्लिश और हिंदी की है ही नहीं, बात सोच की है। मानसिकता क्या है, बचपन से एक सेंटेंस सुनते आते होगे, कभी अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है तो उसकी माँ हमेशा बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था उसके साथ रहने के लिए ना, उसकी माँ भी यही बात बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना उसके साथ रहने के लिए, उसकी माँ सही से नहीं पालती है। वो कॉन्फिडेंस की कमी की पहचान है। एक माँ को ये बात एक्सेप्ट करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए कि मेरा परवरिश किया हुआ बच्चा गड़बड़ हो सकता है। पहली चीज अपने अंदर की कमियों को झांको बनिस्बत ब्लेम करने के, ये है पुटिंग द ब्लेम ऑन अदर्स। हम तुमको ये बोलेंगे कि तुमको ज्योग्राफी इसलिए समझ में नहीं आ रही कि तुमने दाढ़ी रख रखी है, तो दाढ़ी से ज्योग्राफी प्रवेश करके तुम्हारे दिमाग में नहीं जाता है। ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमको पढ़ाने नहीं आ रहा है, या शायद हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं तुम लोगों को, हम चूंकि उसके लिए फिर कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए ये एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पे खड़े होकर एक टीचर आए हैं और हम ज्योग्राफी समझा नहीं पा रहे हैं। जबकि यकीन मानो हम 10 बार पूछेंगे, अगर तुम बोलोगे नहीं समझा पा रहे हैं तो हम तुमको पूछेंगे कि और क्या करें जो तुम समझ जाओ। चूंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, चूंकि मुझे ज्योग्राफी आती है, चूंकि मैं हजारों स्टूडेंट को अब तक मैं क्वालिफाई करवा चुका हूँ, तो अगर मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर हम दूसरी चीज़ को ब्लेम करेंगे, नहीं नहीं तुम लोग हिंदी माध्यम के हो ना, तुम लोग रूढ़ी सोच वाले हो, वही चीज़ है। इंग्लिश मीडियम वाले को मार्क्स ज़्यादा आता है तो इंग्लिश मीडियम वाले सारे क्वालिफाई क्यों नहीं कर जाते हैं? सोच में बदलिए। वो सोच में बदलाव जो पिछले 10 साल में UPSC में हुआ है उसमें हिंदी मीडियम वाले पीछे रह गए। जिस सोच की आवश्यकता, जो डिमांड रखा है UPSC ने, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए और उसको पूरा नहीं कर पा रहे, और सोच के हम वही बात बता रहे। चूंकि प्रश्नों की प्रवृत्ति ऐसी है कि आप सीधा सीधा पढ़ के उत्तर नहीं दे सकते, और अब तक भी हमें यही समझाया जाता है कि बुक पढ़ो, लक्ष्मीकांत, ये वो, बाजीराम का नोट्स, फलां का नोट्स, विजन का नोट्स, नहीं, जितना मिनिमम बुक रखो और जितना मैक्सिमम इसका लैटरल थिंकिंग का विकास करो। कई बार ऐसा होगा कि तुम खुद सरप्राइज हो जाओगे कि इस प्रश्न को तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, फिर भी हमने उत्तर लिख दिया। जिस दिन वो करने लगे, किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, भारत के भौतिक विभाजन में 5 भाग आते हैं। सबसे पहला है उत्तरी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है द्वीपीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतमाला में 2 प्रकार की पर्वतें आती है, एक होता है पार हिमालय और दूसरा होता है हिमालय।
हिमालय में अगर आप प्रश्न देखेंगे तो बहुत सारे तरह के प्रश्न आते हैं, जिसमें 3-4-5 टॉपिक हम लोग सीरियल वाइज लेंगे, ताकि उसका सबसे पहले हिमालय का महत्व किस कंटेक्स्ट में जाएंगे, उसके बाद उसका विस्तार, फिर उसके बाद उत्पत्ति तथा उत्थान। इंपोर्टेंस, एक्सटेंट, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। यहां पे हमको प्लेट विवर्तनिकी की आवश्यकता होगी। सबसे पहले महत्व या विस्तार कौन सा देखें? महत्व, विस्तार, उत्पत्ति। उत्पत्ति में प्लेट टिकटोनिक की आवश्यकता होगी, हाँ वो आ जाएगा इसी में, महत्व में ही आ जाएगा। महत्व कह लीजिए या प्रभाव कह लीजिए, आसान है इसलिए इससे शुरू करते हैं, ठीक है। महत्व में लिखिए या इम्पैक्ट में या प्रभाव में दो चीजें होती हैं कि हिमालय का महत्व बताइए। मेंस में दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं और उसी के सब पॉइंट्स जो है वो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, महत्व और प्रभाव। प्रभाव में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आएगा, लेकिन महत्व में ज्यादातर हम धनात्मक की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं धनात्मक प्रभाव पे या महत्व पे, हिमालय का महत्व हमारे लिए क्या है, कहां से शुरुआत करेंगे। यहां पे भी मैं आपकी सोच को ही चैलेंज कर रहा हूं, जानते बहुत सारे होंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? पॉइंट्स कैसे जेनरेट करते हैं? ग्लेशियर, जैसे हिमनद, मानसून पे उसका प्रभाव, यानी कि जलवायु पे हम कह सकते हैं कि भारत की जलवायु पे हिमालय का क्या प्रभाव है। सॉरी, विभाजक की तरह का आजकल। चलिए, इसमें कोई भी प्रश्न जब सोचें, अभी खास करके प्रैक्टिस करते वक्त, जैसे मैंने बताया था ना, चलते वक्त फिरते भी बहुत सारे उत्तर लिखे जा सकते हैं, तो उसके सब जनरेट कीजिए। जैसे हिमालय का महत्व सभी बच्चे जानते होंगे, सिर्फ सिक्वेंशियल ऑर्डर में लाना है अपनी सोच को। हिमालय का महत्व हम देखेंगे जलवायविक महत्व, आर्थिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, राइट, सामाजिक महत्व, सामरिक महत्व। अब 4-5 पार्टों में भाग दिया, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? आर्थिक ले लेते हैं, आर्थिक जलवायु के में कोई भी लिख दीजिए पहले चलेगा, लेकिन आर्थिक महत्व को जनरली ज्यादा लिखा जाना चाहिए। एज ए वुड बी एस ऑफिसर, आप क्लाइमेटोलॉजिस्ट नहीं है, आप एक भारत के भावी आईएएस ऑफिसर हैं जो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था या समाज पे काम करेगा, जलवायु के ज्ञाता आप नहीं है। तो कोशिश करना चाहिए, अगर अनलेस अनटिल की कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आर्थिक महत्व हम ले लें तो आर्थिक महत्व में भी बहुत सारे सब पॉइंट्स आएंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं आर्थिक महत्व से। आर्थिक वर्ग महत्व में अब कई सारे हो सकते हैं, सबसे पहला क्या आएगा? चूंकि देखो 10 में से 3 नंबर लाना, 3.5 नंबर लाना, 4 नंबर लाना, 4.5 तक लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 4.5 से 4.75, 5, 5.1, 5.2 इसमें बढ़ने लगते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को देखा जाएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ उत्तर को लिख करके चले आए बहुत महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद
पॉइंट्स की प्राथमिकता भी देखी जाएगी। तो आर्थिक महत्व में हिमालय के संदर्भ में हम क्या देखेंगे? नदियां, यानी कि कृषि के संदर्भ की बात। चलिए कृषि की बात करते हैं सबसे पहला। चलिए कृषि पर इसका महत्व या प्रभाव, कृषि में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी? संसाधन, सिंचाई व्यवस्था, बहुत सारी नदियां आती हैं। अब वही, फिर से वही मैं बात करता हूं, मैं टॉर्चर थोड़ा ज्यादा करता हूं, सहन करना इसको। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अगर कोई भी प्रभाव होगा तो पहले प्रत्यक्ष लिखेंगे कि पहले अप्रत्यक्ष लिखेंगे? प्रत्यक्ष लिखेंगे पहले, डायरेक्ट इंपैक्ट जो है। तो यदि हम बात करते हैं कि ये मैदानी क्षेत्रों में इतनी सारी नदियां भेजता है, जलोढ़ मृदा, उपजाऊ जलोढ़ मृदा भेजता है, तो ये अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष है। ये तो मैदानी क्षेत्र का लाभ हुआ ना, मैदानी क्षेत्र में हिमालय का प्रभाव हुआ। कृषि में हिमालय का महत्व बताओ, प्रत्यक्ष, जो कभी बुक्स में नहीं मिलेगा लेकिन जानते सभी बच्चे हो। वर्षा और कुछ, भारत में कृषि का विविधीकरण, हिमालय पर्वत उन प्रकार के फसलों को देता है जो हिमालय की अनुपस्थिति में हमारे जैसे उष्णकटिबंधीय राज्य में कभी संभव नहीं था। तो हमारे कृषि को क्या करता है, एक विस्तार करता है, एक डाइवर्सिटी देता है, राइट, एक विविधता प्रदान करता है। जैसे सेब है या केसर है, राइट, या उस तरह के अगर कृषि में आ जाते हैं तो आप वन है, जैसे देवदार के पेड़ है या रोडोडेंड्रॉन्स है या मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इस तरह के कृषि में जो विविधीकरण हिमालय देता है, वो हिमालय अगर नहीं होता हमारे पास, तो चूंकि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इन सब चीजों की उपस्थिति संभव नहीं है, तो हम क्यों रिच हैं? ये हो गया प्रत्यक्ष अपाय। सबसे पहले लिख लीजिए फसल तथा कृषि की विविधता, ये भारतीय कृषि को, फसल कृषि को विविधता प्रदान करता है, भारतीय कृषि को विविधता प्रदान करता है। जिसमें एक स्तर पर कई प्रकार की फसलों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। कृषि हुआ है आप लोगों का क्लास में? पुराने बच्चों की बात कर रहे हैं, नहीं हुआ है? तो कृषि प्रधान राज्य के पढ़े लिखे नागरिकों, कृषि क्या होता है? कृषि क्या होती है? जैसे हम बात कर रहे हैं, दो चीजें हमने अभी बात करी है, कृषि विविधता और फसल विविधता, दोनों में क्या अंतर है? कई बार देखोगे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ये डायरेक्ट, सॉरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, सारा आ जाता है, गुड। तो कृषि की जब हम बात करते हैं तो प्राथमिक गतिविधियों का हर क्षेत्र खनन को छोड़कर कृषि का भाग होता है। तो जब हम कृषि की विविधता की बात करते हैं तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन हो गया, फिशिंग हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वन हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, या जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, फूल का उगाना, सब्जियों का, ये सब क्या हुआ? कृषि के अंग हो गए। तो ये हम जब कृषि की विविधता की बात करते हैं तो कृषि के अलग अलग अंग को प्रदान करता है, और जब हम फसल की विविधता की बात करते हैं तो फसल के अलग अलग प्रकार की बात कर रहे हैं हम। जैसे फसल की विविधता, गेहूं, चावल, ये सब, गन्ना वन्ना सब, ये फसल की विविधता हो गई।
लेकिन ये कृषि का एक अंग हुआ जिसको हम फार्मिंग बोलते हैं या खेती बोलेंगे, राइट। दूसरा अंग एनिमल हस्बेंड्री हो जाए, पशुपालन हो जाए। तो ये कृषि को भी विविधता प्रदान करता है और फसल में भी विविधता लाता है, ये जो प्रत्यक्ष हुआ। उसके बाद जैसे इसी में आप एग्जाम्पल जरूरत पड़ने अगर सपोज करिए उत्तर लिखते हैं तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो हमने बात करी, जैसे वन के प्रकार हैं, पौधों के प्रकार हैं, जो मिट दवाइयों के जो पौधे होते हैं वो अलग हैं, केसर है, सेब है, इस तरह के जो एक अलग वैरायटी का आलू मिलता है वहाँ पे, उस तरह के जो उत्पाद हैं जो केवल हिमालय के लिए स्पेसिफिक हैं उसको लिखेंगे हम वहाँ, ठीक है। उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप में कृषि में आराम से आप लिख सकते हैं जलोढ़ मृदा है जो मैदानी क्षेत्रों को प्रोवाइड करता है ये, और जल संसाधन नदियों के रूप में कई सारे नदियों का उद्गम स्थल होकर के पूर्ण रूप से ये मैदानी क्षेत्रों में जल संसाधन को प्रभावित करता है जो कृषि में सिंचाई व्यवस्था के साथ साथ अन्न उपयोग में भी लाभदायक होता है। तो अप्रत्यक्ष में आ जाइए, मैदानी क्षेत्र में जो इसका प्रभाव है, अप्रत्यक्ष में जो ये खुद प्रभाव करता है। उसके बाद आ जाते हैं जलवायविक महत्व। जलवायु क्या होता है? दीर्घकालिक समय में क्या वातावरण की, ये भी वातावरण है। वातावरण का मतलब क्या हुआ? और आओ देखो, एक चीज और ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा जब टर्म्स क्लियर नहीं है। कई बार हल्के में उसको लेके हम छोड़ के आगे निकल जाते हैं। जलवायु और वेदर, और वेदर को मौसम बोलते हैं, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? अर्थ अल्पकालिक क्या? अगर आ जाए कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करते हुए भारत के मौसम तथा जलवायु की चर्चा करें, तो मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कैसे लिख के करो, कैसे करोगे? नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम बात करते हैं ना कि आज का मौसम ठीक नहीं है, कभी ये बोल दो आज की जलवायु ठीक नहीं, नहीं आज का मौसम बहुत अच्छा है। तो जब ये अच्छा शब्द और अच्छा नहीं शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो मानसिक सोच है वो किससे प्रभावित होती है? कब बोलते हैं कि हम अच्छा नहीं है? तापमान बहुत अधिक हो गया तो अच्छा नहीं है, बारिश बहुत तेज हो गई तो डिपेंड करता है माइंड पे, गर्लफ्रेंड है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं अच्छा है, काइंड ऑफ राइट। तो जब हम अच्छा की बात करते हैं बुरा की बात, अगर तड़ित झंझा हो गया, बहुत तेज धूल आंधी के साथ चल रही है, तो इन सब को हम सामूहिक रूप से कैसे डिफाइन करेंगे, आखिर क्या लिखेंगे? मौसम तो बहुत बड़ा है ना टर्म, पर्यावरण भी, पर्यावरण और वायुमंडल में क्या अंतर है? बार बार आप भी वही यूज कर रहे थे, क्या है पर्यावरण और वायुमंडल? तो जब हम मौसम या जलवायु की बात करेंगे तो वायुमंडल की बात कर रहे हैं या पर्यावरण की बात कर रहे हैं? वायुमंडल की बात कर रहे हैं, एनीथिंग विच सराउंड, जैसे जो आपके आसपास है उसको हम पर्यावरण कहते हैं, जबकि उसकी एक विशेष स्थिति है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। पर्यावरण सब कुछ हो गया, ये कुर्सी टेबल आदमी पंखा घर सब पर्यावरण हो गया, लेकिन इसको हम जलवायु तो नहीं कहेंगे या जलवायु के अंग तो नहीं कहेंगे, वायुमंडल की। जब हम जलवायु या मौसम की बात करेंगे तो उसमें हम वायुमंडल की बात करते हैं। तो मौसम क्या है? जब मौसम क्या है तो वायुमंडलीय स्थिति है, वो विशेष, लिख लीजिए, वो विशेष वायुमंडलीय स्थिति है जो
कई सारे जलवायविक अवयवों का सामूहिक परिणाम है। कई सारे जलवायविक अवयवों का सामूहिक परिणाम है जो अल्पकालिक तथा परिवर्तनशील होता है। जो अल्पकालिक तथा परिवर्तनशील होता है जबकि जलवायु दीर्घकालिक तथा अपेक्षाकृत स्थिर होता है। दीर्घकालिक तथा अपेक्षाकृत स्थिर होता है, यानी कि जब हम बात करें तो मौसम में बदलाव की, तो मौसम बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम जलवायु परिवर्तन एक शोध का विषय हो जाता है, यानी कि इसमें स्केल में डिफरेंस है, स्थानिक और कालिक अंदर आता है। मौसम की के बदलने में जैसे गाना भी चलता है ना, मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे, कभी नहीं सुना होगा जलवायु की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। तो मौसम जो होता है स्केल का डिफरेंस है, टाइम और छोटे समय के लिए। सुबह का मौसम अलग हो सकता है, दोपहर का मौसम अलग हो सकता है, शाम का मौसम अलग होता है। तो जब हम जलवायविक प्रभाव की बात करते हैं तो हम बड़ी बात कहते हैं यहाँ पे, जो अपेक्षाकृत दीर्घकालिक होता है, जो एक लंबे समय के लिए देता है। तो जलवायु परिवर्तन की जब हम बात करेंगे तो हर उस जलवायविक तत्व की बात करेंगे जिस पे हिमालय का प्रभाव है। और जलवायविक तत्वों में जैसे तापमान हुआ, वायुदाब हुआ, पवन हुआ, आर्द्रता हो गई, वर्षण हो गया, ये सब जलवायविक तत्व होंगे, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो जब भी हम जलवायु की बात करेंगे तो इन सब की अलग अलग भी चर्चा कर सकते हैं, इन सब की सामूहिक चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला लिखिए जलवायविक में, जलवायविक का अलग से प्रश्न आ सकता है, इंडिपेंडेंट सिंगल सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है, हिमालय का भारत की जलवायु पे प्रभाव, इस तरह के एक सिंगल क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें कोई संलग्न नहीं जरूरत है। तो सबसे पहला हम सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा जलवायु का, तापमान। तो तापमान पे प्रभाव आप लोग बताइए मुझे, अगेन फिर सोचिएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो किताब में आप पढ़ते हैं वो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे अक्सर लोग बच्चे सभी लोग पढ़े होंगे या लगभग ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि साइबेरिया से आने वाली पवनों को हिमालय रोक देता है और सर्दियों में हमारे यहाँ तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, ये अप्रत्यक्ष प्रभाव है। ये किताब में ऐसे ही देगा, वो ज्योग्राफी के बच्चों के लिए, ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी लिखी गई है वो ज्योग्राफी पढ़ने वालों के लिए, उसने ये सोच के नहीं लिखेगा कि आईएएस वाले पढ़ेंगे, लेकिन जब आईएएस वाले पढ़ेंगे तो एक अलग मानसिकता के साथ पढ़ेंगे, चूंकि वो 11th क्लास की जो किताब लिखी गई है वो 14 साल 15 साल के बच्चों के लिए लिखी गई है, 22 साल के लिए बच्चों के लिए नहीं लिखी गई है। तो जब 22 साल का बच्चा उसको पढ़ेगा तो 15 साल के बच्चों की अलग से अलग पढ़ेगा वो। तो तापमान पे हिमालय का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, तापमान की विविधता। सेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ है आप लोगों का, नहीं हुआ? हाँ, तुम लोग कितने बच्चे इस बार लिखने जा रहे हो प्रीलिम्स इस बार? अच्छा, रिलेटिवली कम है। तो क्रायोजेनिक इंजन का नाम सुना होगा ना, क्रायोजेनिक इंजन हमें रशिया देने वाला था 90s में, अमेरिका ने उसको प्रेशर डाल के मना करवा दिया, तो हमने खुद का विकास किया, 5 साल लगा, ठीक है, 5-6 साल लग गए। अब उसके लिए एक तापमान की आवश्यकता होती है जो बहुत ही नीचे चाहिए, 0 डिग्री से बहुत नीचे चाहिए। अब हम जैसे देश जो हमारे अक्षांश स्थिति में है, किसी को भी ये
कह लो फॉर्चुनेट इतना नहीं है, इतना लकी नहीं है कि उसके पास हिमालय है। हमारे पास हिमालय है, हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर पे लगभग सारों भर तापमान क्या होगा? बहुत कम होगा। तो शोध के लिए कुछ चीज़ों के विशेष शोध के लिए न्यूनतम तापमान की आवश्यकता हो जाती है, जो -30 तक चाहिए। वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के बावजूद भी कौन दे रहा है हमको? हिमालय दे रहा। ये लिखिए सबसे पहले तापमान की विविधता। ये भारतीय जलवायु में तापमान में विविधता प्रदान करता है। अगर इसको विस्तार करने की बात करें, अगर जरूरत पड़ी तो, सपोज कीजिए सिर्फ क्लाइमेट पे अगर प्रभाव आ गया तो इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा, फिर एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे। एग्जांपल क्या देना पड़े? जब हम तापमान की विविधता की बात करते हैं तो हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय विषुवतीय क्षेत्र से लेकर के ध्रुवीय क्षेत्र तक जो अलग अलग अक्षांशों पे तापमान पाया जाता है, वो हमारे यहाँ एक छोटे से अपेक्षाकृत, अगर विश्व के कंटेक्स्ट में देखें तो हम बहुत छोटे से राज्य हैं, छोटे से क्षेत्र में लगभग सारे तापमान पाए जाएंगे। चाहे ध्रुवीय क्षेत्र का तापमान हो, सहारा डेजर्ट का तापमान हो, विषुवतीय क्षेत्र का तापमान हो, या फिर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का तापमान हो। हमारे यहाँ 48-50 डिग्री भी जाता है सहारा मरुस्थल की तरह, और हमारे यहाँ -30 डिग्री भी जाता है ध्रुवीय क्षेत्रों की तरह। हम इस विविधता की बात करते हैं। यदि हिमालय नहीं होता तो इतनी विविधता तापमान में नहीं आते, जिसका ऑब्वियसली धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रभाव होता है। नेक्स्ट लिखिए, तापमान पे ही अभी हम लिख रहे हैं। दूसरा वो लिखिए साइबेरिया। अब यही हम इसलिए डिफरेंस बता रहे हैं कि साइबेरिया की पवन से सब लोग शुरुआत करेगा, और आप भी अगर साइबेरिया के पवन करेंगे तो बोलेगा हाँ वही एनसीईआरटी पढ़ के आया बच्चा। जैसे ही आपने ये कि तापमान पे प्रत्यक्ष प्रभाव हिमालय का भारतीय तापमान स्थिति पे या तापमान व्यवस्था पे या तापीय क्षेत्र पे के निर्माण में हिमालय की एक विशेष भूमिका है जो इसकी विविधता प्रदान करता है। विशेष रूप से ग्लेशियर क्षेत्रों में वो तापमान पर प्रोवाइड करता है जो सामान्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्र का होता है। ये एक अलग विविधता प्रदान करता है जो तापमान की विशेषता है, जो हिमालय की विशेषता है। उसके दूसरे नंबर पे आ जाइए कि ये सर्दियों में साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ध्रुवीय पूर्वा को अपनी विशालता के कारण प्रवेश नहीं करने देता है। मैदानी क्षेत्र नहीं लिखे ना हम लोग शब्द, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देता, सॉरी, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देता है। परिणाम स्वरूप मैदानी भाग का तापमान अपनी अक्षांशीय स्थिति से तीन से चार डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। जो कृषि, यातायात तथा मानव की अन्य गतिविधियों को प्रभावित करता है।
अब इस पॉइंट की थोड़ी सी व्याख्या की आवश्यकता है कि जैसे हम अगर इमेजिन करो कि हमारे यहाँ सर्दियों का तापमान यूपी या बिहार में 4 डिग्री सेल्सियस और कम कर दो, नॉर्मली कई बार 2-3 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है, तो 4 डिग्री कर दो तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा तो बर्फ पड़ेंगे, पाला भी पड़ेगा, तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो बर्बाद हो जाएंगी या तो आप उगा ही नहीं पाएंगे। जैसे इसी अक्षांश विस्तार पे, फॉरगेट अबाउट ये प्लेन एरिया, अगर तुम अमृतसर को ले लो, जम्मू को ले लो, प्लेन एरिया को जो बहुत उत्तरी भाग में, उस अक्षांश पे अवस्थित पूरे विश्व में कहीं पे भी चले जाएं, आपको स्नोफॉल होगा, बर्फबारी होगी, परंतु हमारे यहाँ नहीं होती। उसका कारण हिमालय है और उसके कारण जो फसलों की विविधता है या फसलों के जो सीजन्स की बात करें, हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 कृषि के सीजन है, तो आप एक घटा दीजिए अगर हिमालय नहीं है तो, और हिमालय नहीं है तो पूरा मैदानी क्षेत्र एक सहारा मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा। सहारा मरुस्थल का देखोगे तो अक्षांशीय विस्तार लगभग सेम है जो हमारे यहाँ मैदान है, वो मरुस्थल है। ये विश्व का सबसे बड़ा मैदानी भाग है और कृषि के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो वो तापमान से सीधा सीधा संबंध रखता है। लिखिए दूसरा, प्रेशर को वायु दाब तथा पवन पर प्रभाव। वायु दाब तथा पवन पर प्रभाव, हिमालयी क्षेत्र में सैद्धांतिक रूप से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का निर्माण होना चाहिए। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की, हिमालयी क्षेत्र में सैद्धांतिक रूप से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होना चाहिए जो वायु के अवरोहण तथा शुष्कता से संबंध रखता है, परंतु हिमालय के उच्चावच के कारण उच्च वायुदाब का निर्माण नहीं हो पाता है। हिमालय के उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण नहीं हो पाता है। अपितु ये एक अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त मॉनसून के संचलन में ब्रैकेट में लिख दो निर्माण उत्थान में आगमन तथा प्रस्थान
संचलन में, ब्रैकेट में कर दीजिए उसको, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भारतीय उपमहाद्वीप को एक क्षेत्रीय एकता प्रदान करता है, अब इसमें थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया है, आप लिखे हुए को पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ लीजिए उच्च वायुदाब वाले को। हमने बात करी है कि जो हिमालय का क्षेत्र है, ये इस प्रकार से तीन समानांतर श्रेणियां हैं यहाँ पे। अब इसमें उच्चावच बहुत समतल नहीं है, ये बहुत ही उबड़ खाबड़ है, और जो उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है वो लगभग 25 से 35 डिग्री अक्षांश के आसपास होता है। तो इसी अक्षांश में हमारे यहाँ क्या है, हिमालय पाया जाता है। थोड़ी सी उसमें तिब्बत के पठार की भी भूमिका है। इस अक्षांश में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होना चाहिए, पूरे विश्व में होता है, ठीक है। लेकिन अपने उच्चावच में असमानता के कारण ये उसका निर्माण नहीं होने देता है। अब निर्माण हो जाता तो क्या होता, हो जाता यदि तो उच्च वायुदाब पेटी में वायु का अवरोहण होता है, जबकि निम्न वायुदाब पेटी में वायु का आरोहण होता है, और वर्षा वही होती है जहां वायु का आरोहण होता है, वर्षा वहां कभी नहीं होगी जहां वायु का अवरोहण होता है। तो उच्च वायुदाब पेटियों में वर्षा नहीं होती। तो यदि ये उच्च वायुदाब पेटी होता तो ये किससे का निर्माण करता, मरुस्थल का निर्माण करता। मरुस्थल की बजाय ये किसका निर्माण कर रहा है, एक अच्छी खासी वर्षा वाला क्षेत्र का निर्माण करता है, जो जैविक विविधता को भी बढ़ावा देता है। जहां पे जैविक विविधता बिल्कुल शून्य लगभग होनी चाहिए वहां पे ये एक अलग से प्रदान करता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अभी मॉनसून में अल्टीमेटली हम पढ़ेंगे कि इसकी एक्चुअल भूमिका क्या है, तो उसमें अभी थोड़ा सा संक्षिप्त में हमने दे दिया है कि इसमें इसका मानसून की पे बहुत भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका है इसकी, जैसे आगमन पे, इसके उत्थान में, इसके निर्माण में, इसके संचलन में, इसके परस्थान में, सब में हिमालय अपनी अलग अलग भूमिका निभाता है। अगर जब हम मानसून पढ़ेंगे और सपोज कीजिए कि क्वेश्चन इस पे आ गया तो आप वहां से उठा करके इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डाल सकते हैं। लिख लीजिए नेक्स्ट, आर्द्रता तथा वर्षण। इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वर्षा का वितरण भारत में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपको जलवायु पे, अर्थव्यवस्था पे, और कृषि के अलावा क्या था, पर्यटन लिख लीजिए। अर्थव्यवस्था का कृषि ही करके हम लोग छोड़ दिए थे वहां पे, क्योंकि जलवायु की बात आ गई थी। पर्यटन पे किस किस प्रकार से प्रभाव करता है, नेचुरल ब्यूटी सबसे पहला लिखेंगे, प्राकृतिक दृश्य प्रदान करता है जिसमें आप लिख सकते हैं जलप्रपात है या कई प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, लिखते जाइए। नेचुरल ब्यूटी सबसे पहले, प्राकृतिक सौंदर्य, संबंधित पर्यटन, प्राकृतिक सौंदर्य में आप आराम से एग्जाम्पल दे सकते हैं बहुत सारे। उसके बाद साहसी खेलकूद संबंधित पर्यटन, जिसे ट्रेकिंग है, पर्वतारोहण, वाटर स्पोर्ट्स, जैसे वो रिवर राफ्टिंग, राफ्टिंग की हिंदी पता नहीं है मुझे, जो छोटी सी कश्ती पे चढ़ते हैं और वो ऐसे ऐसे कूदता है वो,
राफ्टिंग ही बोलते हैं कुछ और बोलते हैं? राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, उसके बाद आइस स्केटिंग, आइस स्केटिंग, जो स्कीइंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सारा इंग्लिश वर्ड ही लिखे कोई दिक्कत नहीं है। पैराग्लाइडिंग जो उसमें बलून टाइप से बन करके उड़ता है, उसके बाद आइस स्केटिंग जो आइस पे स्केट करते हैं, स्कीइंग जो बड़े से पटरे पे चढ़ करके स्नो पे, जैसे गुलमर्ग में, गुलमर्ग दुनिया का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक आइस स्केटिंग स्पॉट है। बाकी वर्ल्ड में कहीं भी अगर देखेंगे तो वो आर्टिफिशियल बनाता है, लेकिन जो क्वालिटी स्नो की वर्ल्ड में बेस्ट है। अगर एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित भारत जैसा राज्य यदि विंटर ओलंपिक्स के लिए क्लेम कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, हिमालय की वजह से। उसके बाद रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, जितने भी बड़े बड़े भगवान हैं या बड़े बड़े मजार हैं, सबको आपको ऊपर ऊपर अधिक ऊंचाई पे मिलेंगे। जितनी तकलीफ से आप जाते हैं, भगवान उतना प्रसन्न होता है, अल्लाह उतना खुश होता है, आपको जल्दी बुला लेता है ऊपर। तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रिलीजियस पर्यटन बहुत ज़्यादा है, तो उसको लिख लीजिए। धार्मिक पर्यटन में आप बहुत सारों का नाम दे सकते हैं, हरिद्वार का नाम दे सकते हैं, वैष्णो देवी का नाम दे सकते हैं, हजरत बल का नाम दे सकते हैं इत्यादि, अमरनाथ का दे सकते। अमरनाथ तो ही तो वैष्णो देवी हो गया, अलग है क्या? अच्छा, अमरनाथ अलग है, अमरनाथ की गुफा अलग है। अच्छा, ओके ओके, हाँ गॉट इट। तो रिलीजियस टूरिज्म हो गया, इको टूरिज्म हो गया, या इन्वायरमेंटल टूरिज्म कह सकते हैं, पर्यावरणीय संबंधित पर्यटन। बहुत सारे लोग जो है इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे पर्यावरण विविधता है, वनों की विविधता है, जैव विविधता, इसको देखने जाएंगे। उसके बाद मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म जिसको बोलते हैं, जैसे अगर बहुत फ्रेश अच्छी हवा लेनी हो तो आप हिमालय में चले जाइए, दुनिया से ऊब चुके हो तो आप हिमालय चले जाइए, वहाँ पे बाबा बन जाइए, काइंड ऑफ बहुत सारे उस तरह के पर्यटन होते हैं। तो पर्यटन पे एक अलग उसका अपना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बिजली परियोजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सॉरी, विद्युत बिजली परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, विद्युत बिजली परियोजना, विद्युत और बिजली पन, जल विद्युत परियोजना, सॉरी जल युद्ध, विद्युत और बिजली दोनों सेम ही हो गया ना, जल विद्युत परियोजना। ये स्लिप ऑफ टंग मेरे साथ होगा थोड़ा थोड़ा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना, एक अलग उसका अपना रोल है। इको फ्रेंडली होता है, चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। उसके बाद कई प्रकार के संसाधन, संसाधन के संदर्भ में ये खनिज संसाधन में थोड़ा कम संपन्न है, परंतु अन्य संसाधन यहाँ पे ठीक ठाक पाए जाते हैं, जिसमें आप सबसे पहले वन पे आ सकते हैं, वन संसाधन, या जैव संसाधन की बात कीजिए तो ठीक ठाक यहाँ पे मिलते हैं जैव संसाधन। उसके बाद कुछ खनिज भी पाए जाते हैं, स्पेशली एंथ्रासाइट, कोयले की कोयले का चार प्रकार होता है, चार वैरायटी होती है, सबसे बढ़िया कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, जो हमारे यहाँ केवल और केवल कश्मीर में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। तो कुछ संसाधन जैसे कोयला हो गया, चूना पत्थर जो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी काम आता है, जो कच्चा माल होता है, चूना पत्थर मिलता है यहाँ पे। उसके बाद खनिज संसाधन में यदि और देखें तो और बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो क्वेरिंग, जैसे मकान बनाने का वाला पत्थर, उस तरह के जो पत्थर होते हैं वो भी यहाँ पे वहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो जैव संसाधन हो गया, थोड़ी मात्रा में खनिज संसाधन भी हो गया, जल संसाधन का बहुत बड़ा स्रोत है ये,
तो संसाधन पे सेपरेट क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा, लेकिन लिखने के लिए छोटा छोटा पॉइंट्स उसमें बना सकते हैं। उसके बाद सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक विविधता भी देता है ये, नहीं? हिमाचल का डांस देखा है कभी? कश्मीर का देखा होगा मूवीज में बहुत सारा, बुमरो बुमरो, गढ़वाली, गढ़वाली ड्रेस डांस पैटर्न, तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक विविधता प्रदान करता है। पर्यटन पे अगर कभी प्रश्न का उत्तर लिखोगे तो शुरुआत कहां से करोगे? जैसे सपोज कीजिए कि भारत पर्यटन के संदर्भ में जैसे इसको मॉडल ऑफ ग्लोब बोलते हैं, उसको विश्व का एक प्रारूप हो सकता है, चर्चा कीजिए। जैसे सपोज कि जिस तरह के प्रश्न आ जाएं कि भारत पर्यटन के संदर्भ में पूरे विश्व का एक प्रारूप दे सकता है, उसका फिर आ जाएगा कि दोहन के मतलब कम दोहन के कारण की चर्चा करें एंड ऑल दैट, लेकिन एक मॉडल हो सकता है। जैसे आप जलवायु विविधता देखिए तो हमारे यहाँ अधिक तापमान से न्यूनतम तापमान भी मिल जाएगा, मरुस्थल से लेकर के मौसिनराम भी मिल जाएगा, चेरापूंजी भी मिल जाएगा, नदियां तो मिलेंगी मिलेंगी, पर्वत भी मिलेंगे, पठार भी मिलेंगे, मैदान भी मिलेंगे, समुद्र भी मिलेगा, द्वीप भी मिलेगा, राइट? सबसे लंबा आदमी सबसे नाटा आदमी भी मिल जाएगा, सबसे गोरा से लेकर सबसे काला तक भी मिल जाएगा, राइट? सांस्कृतिक में देखिए ट्राइबलिज्म से लेकर के यूएस भी मिल जाएगा, मतलब विश्व के सबसे विकसित देश का की जो संस्कृति होगी वहां से लेकर के रुवांडा बुरुंडी तक हमारे यहाँ मिल जाएगा, जो सोमालिया केनिया की संस्कृति है वो भी हमारे यहाँ मिल जाएगा, लठैत भी मिल जाएंगे एक से एक, और विद्वान भी एक से एक मिल जाएंगे, अमीर भी एक से एक मिल जाएंगे, गरीब भी। तो सांस्कृतिक विविधता, संसाधन विविधता, भौगोलिक विविधता, आर्थिक विविधता के कंटेक्स्ट में विश्व में हमारा कोई लिटरली बदल नहीं हो सकता। ये प्रश्न वहीं से पूछा गया है और ये बनता है कि भारत जो है वैश्विक स्तर पे पर्यटन के लिए एक विश्व का प्रारूप हो सकता है, चर्चा करें, तो उसमें हिमालय की ऑब्वियसली बहुत बड़ी भूमिका होगी जो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता प्रदान कराता है। क्लियर है? ऋणात्मक प्रभाव, हिमालय का ऋणात्मक प्रभाव लिखिए क्या क्या हो सकता है, ट्राई करो एक एक पॉइंट सब लोग लिखने का अपनी मर्जी से। हिमालय का ऋणात्मक प्रभाव, हिमालय की उपस्थिति का या अवस्थिति का ऋणात्मक प्रभाव, थोड़ा जोर से, पाला पड़ता है तो कृषि के लिए लाभदायक होता है, वो लाभदायक होता है हिमालय क्षेत्र में। कुछ जिस जो फसल को हम दो भाग में बांटते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, जब उष्णकटिबंधीय फसल पे पाला पड़ता है तो वो नुकसान होता है, शीतोष्णकटिबंधीय फसल तभी चलेगी जब पाला पड़ेगा उसमें, जो फ्रॉस्ट बोलता है उसमें, बाढ़। हिमालय में कब बाढ़ आता है? उत्तराखंड में आता है, वो सिर्फ केवल और केवल हमारे यहाँ हो सकता है वैसे, तो बिहार में बाढ़ आता है, हिमालय में थोड़ी आता है, तो हिमालय की गलती है, वो बिहारियों की गलती है, सब पैसा खा जाते हैं कोसी के तटबंध को जो मापन के लिए आता है, तो इसलिए बाढ़ टूट जाता है, नदी विसर्पण का ये है। हिमालय तो आपको बढ़िया संसाधन देता है, जा रहे हो सही, सोच सही है, लेकिन तुम अप्रत्यक्ष सोच रहे हो, प्रत्यक्ष सोचो उसी को, कृषि किस आधारभूत संरचनाओं का सॉलिड पॉइंट है एक, कि आप चूंकि उच्चावच अलग है तो अपेक्षाकृत आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं होगा, कम होगा, और जब भी आधारभूत संरचना का विकास कम होता है तो आर्थिक गति कम होगी तो विकास अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। और बताओ, एक तो ये लिख लीजिए।
आधारभूत संरचना के विकास में कठिनाई और उसका दुष्परिणाम। तुम और जाओ वहीं पे, बिहार की बजाय तुम हिमालय राज्य में सोचो। बिहार को हिमालय की वजह से नाराज नहीं होना चाहिए। फिर से, तो ये इसका ऋणात्मक परिणाम थोड़ी होगा। बड़ा भूभाग तो बड़ा हो या छोटा हो, अगर धनात्मक है तो बड़ा अच्छी बात है, ऋणात्मक है तो बड़ा अच्छी बात नहीं। वैसे भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तो है नहीं, सेम हो गया उसी में, आधारभूत संरचना में सारा आ जाएगा। हाँ, आपदा, आपदा संभावित क्षेत्र। और आपदा एक केवल, जब आपदा की हम बात करते हैं तो ये एक शब्द नहीं है, ये एक पूरे मानव जाति को, पूरे क्षेत्र को, उसकी मानसिकता को, सबको प्रभावित करता है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी जैसे फ्लड हो या ड्रॉट हो तो वहां पे क्या है कि सबसे ज्यादा भूकंप की संभावना होती है, भूस्खलन की संभावना होती है, और ऑब्वियसली कभी कभी हमारे भारत का भाग होने के कारण बाढ़ की संभावना भी होती है। तो पर्वतीय क्षेत्र में बाढ़ कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ढाल इतनी तीव्र होती है कि जितनी भी वर्षा हो सब नीचे निकल जानी चाहिए। जैसे उत्तराखंड का बाढ़ अगर की बात करें, जो कौन सा क्षेत्र था उत्तराखंड का, केदारनाथ, केदारनाथ को कभी फोटो में देखे हो, गए होगे तो और देखे होगे, फोटो में देखो तो विश्व में कभी भी वैसे क्षेत्र में जिसके दो चारों तरफ 200 से 300 फीट का की खाई हो, उसके वहां पे मंदिर तक पानी आ जाता है, ये केवल और केवल भारत में संभव है और कहीं नहीं संभव, चूंकि उसमें पूरी नदी भी डाल दे एक साथ ना, तो भी बाढ़ नहीं आएगा, राइट। तो वो मानव जनित था, या मानव जनित मतलब जानबूझ के नहीं, लेकिन मानव की गलतियों का परिणाम था। वैसे सामान्य तौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में कभी भी फ्लड नहीं आता, बाढ़ नहीं आता है। जैसे माओसेन राम में, चेरापूंजी में, धर्मशाला, धर्मशाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है वर्षा की मात्रा में, कभी बाढ़ नहीं आता है। तो बाढ़ को कम महत्व देंगे वहां पे हम, फिर भी सबसे ज्यादा भूकंप, उसके बाद भूस्खलन, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपको थोड़ा मोड़ा बाढ़। और आपदा का सीधा संबंध मानसिकता से, विकास से, वृद्धि से, सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक उत्थान से दे सकते हैं आप। नेक्स्ट, और क्या पॉइंट हो सकता है, कम अगेन, वही आधारभूत संरचना में जब विस्तार करेंगे तो वही आ जाएगा। गुड, वेरी गुड। तो सांस्कृतिक बाधक मान सकते हैं इसको हम, हाँ वो लिखिए, शब्दों का चयन। जैसे हम अगर विकास की उसकी बात करते हैं ना, तो सांस्कृतिक बाधा, अगर ऋणात्मक की बात करते तो हिमालय एक बहुत बड़ा बाधक बना है, वरना हमारे यहाँ भी चीमिंगूम ज्यादा होता फिर आज की डेट में, चाइना से इंट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो वेस्ट एशिया से लेकर के मेडिटेरेनियन से लोग आ गए, लेकिन नॉर्थ में चाइना से लोग नहीं आ पाए। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान अपेक्षाकृत के लिए एक बाधक है। धार्मिक प्रभाव उसी में आ जाएगा, सामाजिक में, सामाजिक तथा सांस्कृतिक। वो जब विविधता की बात कर रहे थे तो विविधता में भी आ जाएगा पॉजिटिव पॉइंट, और ऋणात्मक में आ जाएगा विविधता, कई बार नुकसानदेह भी होता है, यूनिटी नहीं आ पाती है उस कंटेक्स्ट में। आर्थिक बाधा, एक तो विदिन और आउटसाइड, जैसे चाइना से ट्रेड करने में हमें अपेक्षाकृत दिक्कत आती है, अमेरिका से आप कर लीजिए, वेस्टर्न यूरोप से कर लीजिए, वेस्ट एशिया से कर लीजिए, लेकिन जैसे ही चाइना मंगोलिया की बात आती है अपेक्षाकृत, तो लिख लीजिए आर्थिक बाधाएं प्रदान करता है, रक्षा व्यय को बढ़ा देता है, रक्षा व्यय को बढ़ा देता है। पहले था कि ये एक बाधक बनता था और सामरिक दृष्टिकोण से ये ज्यादा महत्वपूर्ण था और सुरक्षा करता था, बट आज की डेट में उसका उल्टा है। अगर कश्मीर में टेररिज्म की समाप्ति में नहीं होने का एक कारण, सारा कारण नहीं है या सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण कारण है, तो वहां की उच्चावच है। 10 मीटर पे आतंकवादी बैठा रहेगा, फिर भी आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत मुश्किल होगी उसको हैंडल करने में।
पंजाब में अगर देखें तो अपेक्षाकृत हम ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, उसका कारण यही था कि पंजाब ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र था, तो आइडेंटिफाई करना, उसको पकड़ना या उसके साथ एनकाउंटर करना मच ईजियर था। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो बहुत ज़्यादा उच्चावच है, जलवायु विविधता बहुत ज़्यादा है, 3 महीने जाड़े के दिनों में जहाँ से तहाँ से भेज सकता है, भाई साहब जो उधर बैठे हुए हैं आराम से भेज सकते हैं इधर, तो उस स्थिति में के कारण क्या होगा परिणाम, वो होगा कि दिक्कत आएगी। तो आज की डेट में ये सामरिक दृष्टिकोण से एक बाधक के रूप में ज़्यादा प्रदर्शित होता है जो रक्षा व्यय को बढ़ा देता है, और रक्षा व्यय मोस्ट अनवांटेड एक्सपेंडिचर माना जाता है, मतलब जिसकी एक्चुअल में चाहत नहीं होती, आप मजबूरी में करते हैं। आप अपने गेट पे बड़ा ताला कब लगाते हैं? जब पड़ोसी चोर होता है या चोरी की संभावना अधिक होती है। तो जब चोरी की संभावना कम हो तो बड़े ताला की आवश्यकता नहीं होगी। तो रक्षा व्यय उसी बड़े ताला की तरह है, जिसकी एक्चुअल में अगर आवश्यकता नहीं है तो बहुत अच्छी बात, तो रक्षा व्यय अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर माना जाता है। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं हम लोग उत्तर, ट्राई कीजिएगा आप लोग कल इसी पर उत्तर लिखने के अपने शब्दों में, पॉइंट्स हैं। और कल प्लीज एटलस लाना मत भूलिएगा। आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, कल हम लोग हिमालय को कंटिन्यू करेंगे, मैदानी क्षेत्र पठारी क्षेत्र, पहले भूआकृतिक जो विभाजन है उसके बाद भारत की जलवायु पे आएंगे।